कल हमने नवम स्कंद श्रीमद् भागवत में ईशानु कथा के अंतर्गत सूर्य वंश के राजाओं और चंद्र वंश के राजाओं और उनकी महान कीर्ति का वर्णन सुना था। भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुनने से जो वासना का, कर्म की वासना का बीज हृदय में होता है ना, वो भी भुन जाता है, ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तब असल में कृष्ण भक्ति प्रेम से करने का हमारा सौभाग्य बनता है। उन कथाओं में एक गंगा अवतरण की कथा कल हमको बोलनी थी, क्योंकि पहले पाँचवें स्कंद में भी गंगा अवतरण की कथा आती है और गंगा पति तपावनी 5000 वर्ष तक भारतवर्ष में पति तपावनी गंगा और 10000 वर्ष तक भगवान जगन्नाथ पति तपावन के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में रहेंगे। तो सूर्य वंश में एक महाराज सगर हुए, उनके पुत्र अंशुमान और फिर अंजस्मस, उनके अश्वमेध घोड़ा यज्ञ का चोरी हो गया और कपिल आश्रम में बांधा गया। 60000 पुत्र उनके घोड़े को ढूंढते वहाँ गए, घोड़ा मिला, लेकिन कपिल देव के ऊपर कुपित हो गए कि इस भगवान के अवतार सिद्ध कपिल मुनि ने घोड़ा चुराया है। कपिल देव के ऊपर अपराध जनक दृष्टि से आगे बढ़े तो कपिल देव की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी, वो भस्म हो गए, राख बन गए। घोड़ा भी नहीं मिला, पुत्र भी नहीं आए, तो सगर का पौत्र अंशुमान घोड़े को ढूंढ निकाला, कपिल देव को प्रार्थना की कि हमारे ताऊ यहाँ आए थे। बोला आए थे लेकिन अपने कर्म से भस्म हो गए हैं। बोला इनका उद्धार कैसे होगा, धरती के ऊपर अगर गंगा मैया आएगी तो इनका उद्धार होगा। अंशुमानी जी राज करके, राज को छोड़ के अपने बेटे दिलीप को राज दिया और तपस्या करने चले गए, कुछ नहीं हुआ। दिलीप जी राज करके चले गए तपस्या करने के लिए, गंगा धरती पर नहीं आई। दिलीप के पुत्र भागीरथ पहले राज नहीं किया, पहले तपस्या करने चले गए और उनकी तपस्या से गंगा माता प्रकट हो गई। गंगा माता ने कहा मैं आपकी 3 पीढ़ियों की तपस्या से प्रसन्न हो गई हूँ, मैं आप चाहते हैं मैं धरती पे आऊँ, लेकिन मैं धरती पे आऊँगी तो मेरा वेग इतना तेज होगा मैं पाताल में चली जाऊँगी, आपका काम नहीं होगा, कौन मेरे वेग को सहेगा, और दूसरा ये पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे तो मेरा पाप कौन धोएगा। तो महाराज भागीरथ ने भगवान शंकर को प्रश्न किया, उनने कहा गंगा के वेग को मैं धारण कर लूँगा। और साधु संत महात्मा ऋषि गणों और आचार्य गणों ने कहा, वैष्णव भक्तों ने कहा कि गंगा जी को आश्वासन दो कि हम उसके किनारे पे रहेंगे और जब जब हम स्नान करेंगे उसके सारे पाप धुल जाएंगे। दोबारा भागीरथ जी ने गंगा जी का आवाहन किया, गंगा आई, गंगा को कहा आपके वेग को शंकर जी धारण करेंगे और ये संत महात्मा साधु ये भक्त वैष्णव आपके पाप को धोएंगे। तो गंगा जी ऊपर से शंकर जी के जटाओं में आई और आज शंकर जी का नाम गंगाधर हो गया, गंगा को धारण कर लिया। और फिर भागीरथ का रथ आगे चला और पीछे गंगा मैया चली, और गंगा मैया इस रथ के साथ चली आगे। जब बंगाल में गई तो जानू ऋषि के सामान को ले गई साथ, जानू ऋषि ने गंगा को पी लिया। भागीरथ ने मुड़ के देखा कि बड़ी परिश्रम से गंगा को धरती पे लाए, अब गंगा दर्शन नहीं है। जानू ऋषि को प्रार्थना किया, जानू ने पुत्री के रूप में उसको प्रकट करके वापस दिया, तो गंगा का दूसरा नाम जाह्नवी है। और गंगा क्योंकि बहती है इसलिए गंगा कहते हैं, इसको भागीरथी कहते हैं क्योंकि भागीरथ लाए, इसको विष्णुपदी कहते हैं क्योंकि ये भगवान श्री विष्णु के चरण को धो के नीचे उतरी है, और इस ये सीधी पहले द्रुलोक में गिरी। ब्रह्मा जी ने इस गंगा को अपने करमंडल में रखा, शंकर जी ने जटाओं में रखा और द्रुलोक से देवता विमानों में गंगा को देवलोक में लाए और भागीरथ इस गंगा को इस धरती पर लाए, जो गंगा पति तपावनी के रूप में आज भी ब्रह्म द्रव्य के रूप में, वो गंगा जल नहीं है, वो गंगा अमृत है, वो भाग्य है भारतवर्ष का, केवल गंगा और जमुना बहती हैं। वैसे जमुना गंगा से पुरानी है और पुरातन भी है और उसका महात्म भी बड़ा है। एक बार वृंदावन में आगरा में बड़ा विवाद हो रहा था कि गंगा बड़ी कि जमुना बड़ी, महानता किसकी है, तो गोस्वामी जी को बुलाया गया। गोस्वामियों ने कहा कि
गंगा महान है क्योंकि भगवान के चरण से उतरी है, तो गंगा के पक्ष वाले ने बोला गंगा मैया की जय हो। फिर उन्होंने कहा जमुना में तो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण ही नहाते थे, तो क्या केवल अंगूठे पांव से निकली गंगा इतनी महान है, तो जिसमें भगवान पूरा नहाते थे वो तो उससे भी महान हो गई। बोला जमुना मैया की जय। जमुना के पक्ष वाले प्रसन्न हो गए। और ये दोनों आगे चल के जब प्रयागराज में पहुंचती हैं तो गंगा कहती है मैं नाम रखूंगी अपना, मैं राम नाम को चाहती हूँ, और जमुना कहती है मैं अपने रूप को रखूंगी। तो आगे से जमुना के रूप का जल सांवला चलता है और नाम गंगा का है और रूप गंगा जमुना का है। अब प्रयाग में देखेंगे तो जमुना भरी हुई है, गंगा में बात पानी कम होता है। और फिर आचार्य फिर गोस्वामी जी ने कहा, अपने गोस्वामी गए थे संभवतः जीव गोस्वामी या रूप गोस्वामी, वही गंगा जब नवद्वीप से गुजरती है तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जल क्रीड़ा की, इसलिए गंगा भी महान है जमुना भी महान है, दोनों मिल जाती हैं। तो ये दो महान पवित्र नदियां भारत में बहती हैं और ये नदियों का दर्शन मात्र स्नान जल आचमन बहुत पवित्र करने वाला है, नाम लेने से भी पवित्र हो जाते हैं। तो ये कथा गंगा के अवतरण की धरती के ऊपर है। इसके बाद कल हमने भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य के पास कथा को विराम दिया था। भगवान के जितने भी अवतार आते हो, एक पहले तीन सिद्धांत समझ लीजिए, शरीरों का जन्म होता है और मृत्यु होती है, आत्मा का आना जाना होता है अपने कर्मों के कारण, आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, उसका आना जाना होता है अपने कर्मों के कारण, स्वतंत्र नहीं। आप हमने अपने मन की वस्तु खरीद सकते हैं, चॉइस की गाड़ी खरीद सकते हैं, जो चाहो वो खाना बना सकते हैं, लेकिन आप किसके घर में पैदा होना है ये आपकी चॉइस नहीं है, ये देव नेत्रेण। तो शरीर का जन्म और मृत्यु होता है, आत्मा का आना जाना होता है, और भगवान का करुणा के कारण अवतार होता है। अवतार का अर्थ है ऊपर से नीचे उतर आना, और भगवान के अवतार का एक जो कारण सामान्य रूप से भगवत गीता के माध्यम से सबको बताया गया है वो है धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना, पापियों को दंड देना और साधुओं का संरक्षण करना। इस कार्य के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, ये सारे अवतार भगवान विष्णु के आते रहते हैं और इनकी गणना नहीं की जा सकती, ये अनंत अवतार आते रहते हैं, समय समय में आते रहते हैं, युग युग में आते रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है, सब अवतारों का स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार नंद नंदन श्री कृष्ण यशोदा नंदन श्री कृष्ण गौलोक अधिपति श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में सातवें मन्वंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर के अंतिम चरण में रेगुलरली नित्य अवतार लेते हैं, एक बार आए कृष्ण ऐसी बात नहीं है, ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। आज ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो चुके हैं, कितनी बार कृष्ण आए होंगे। और ये जो श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में नेम से आते हैं, धर्म स्थापना करना भी इनका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है, असुरों को संहार करना भी इनका उद्देश्य नहीं है, ये केवल प्रेम का ही प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं। क्योंकि प्रेम सभी करते हैं संसार में, लेकिन प्रेम किससे करना चाहिए किसी को मालूम नहीं है, न कोई पाठशाला में प्रेम पढ़ाया जाता है, न कॉलेज में, न यूनिवर्सिटी में। कृष्ण आके प्रेम करना सिखाने के लिए अपने साथ अपने लोक से अपने पार्षदों को लाते हैं, अपने से बड़े गोप गोपियों को लाते हैं, जिनके साथ भगवान माता पिता उनके बड़े बनते हैं और वात्सल्य प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, अपने संग में अपने समान आयु के सखाओं को लाते हैं, उनके साथ गोचारण आदि वन विहार करके सखा प्रेम के प्रदर्शन करके सबको निमंत्रण देते हैं, और अपने संग से अपने अंग से ही उत्पन्न राधा रानी के काया व्यूह विस्तार रूप गोपी गणों को लाकर
और रासलीला आदि व्याहार करके जो भगवान से माधुर्य प्रेम करते हैं उनको निमंत्रण देते हैं। तो कृष्ण केवल प्रेम के प्रदर्शन के लिए आते हैं, 11 वर्ष तक ही केवल ब्रज में लीला करते हैं। गोकुल में कुमार अवस्था बाल लीलाएं करके वात्सल्य प्रेम की पुष्टि करते हैं, वृंदावन में आके पौंगल अवस्था में 5 से 10 साल वाला जो समय है उसमें वो वत्स चारण और गौ चारण और वन विहार लीला करके सखाओं के प्रेम का पोषण करते हैं, और उनकी किशोर अवस्था 10 से 15 साल उसमें वो गोपी गणों के संग में प्रेम का रास विहार करके माधुर्य रस के भक्तों को निमंत्रण दे के उसका पोषण करते हैं। लेकिन ये 15 साल सामान्य बच्चा जो 5 साल का होता है, कृष्ण 3.5 साल का 5 साल जितना लगता है, इसलिए रहते 11 साल ही हैं केवल ब्रज में। उसके बाद 17-1 साल मथुरा में रहते हैं और शेष 90 साल से ज़्यादा कुछ समय उनका द्वारका में निवास होता है। लेकिन ये श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है, नंद नंदन स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिनकी 4 विशेषताएं हैं, गोप वेशधर, वो गोप का वेश धारण करते हैं, मोर पंख लगाते हैं, पगड़ी बांधते हैं, पीतांबर पहनते हैं, नित्य किशोर, कभी भी 15 साल से बड़े नहीं होते हैं, नटवर, चलते हैं तो नृत्य करते हुए चलते हैं, और चौथा वेणुकर, हाथ में बांसुरी होती है। ये 4 विशेषताएं भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण की हैं, और ये 4 विशेषताएं ऐसी हैं जो वैकुंठ में नारायण तक में भी नहीं है। नारायण से भी गुणों में 4 विशेष गुण श्री कृष्ण स्वयं भगवान में पाए जाते हैं। लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी और प्रेम माधुरी। तो यहां श्री कृष्ण का प्रकट्य होना है, लेकिन साथ में इस बार जब श्री कृष्ण 5,100 साल पहले प्रकट हुए थे भारत वर्ष में ब्रज गोकुल में, उस समय पृथ्वी का भार भी बढ़ गया था। पृथ्वी ने भी भगवान के अवतार के लिए ब्रह्मा जी के साथ जाकर प्रार्थना की थी। तो भगवान श्री कृष्ण को तो नेम से आना ही था, लेकिन अवतार के लिए प्रार्थना की थी गई थी, इसलिए अवतार भी विष्णु का साथ आया था। तो इसलिए इस रहस्य को समझने के लिए 2 भाग में कथा को करके आगे बढ़ाते हैं। कल जहां भागवत में कथा को विराम दिया था, सुखदेव महाराज ने धारावाहिक कहा कि इस पृथ्वी के ऊपर आतिथ्य राजाओं का इतना भार बढ़ गया कि पृथ्वी माता गाय के रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई, और ब्रह्मा जी ने शंकर जी को साथ लिया और फिर अन्य देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पे, जो इस भौतिक जगत में क्षीर सागर ध्रुवलोक को कहते हैं, श्वेत द्वीप, वहाँ गए। और वहाँ जाके भगवान का दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ प्रार्थना पुरुष सूक्त से प्रार्थना की। भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में संदेश दिया कि पृथ्वी के संकट से मैं परिचित हूँ और आप निश्चित हो जाइए, मैं प्रकट हो रहा हूँ। आप इन सब देवताओं को कहिए कि श्री के प्रिय करने के लिए स्वयं और अपनी पत्नियों के संग में यदुवंश में प्रकट हों। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वासन दिया, ब्रह्मा जी वापस आए और दूसरे तरफ सूरसेन देश, उसके राजा महाराज उग्रसेन, उसका पुत्र कंस, जो उसका पुत्र नहीं है, कंस कालनेमी असुर है और बड़े दुष्टता और धोखे से पद्मावती महाराज उग्रसेन की पत्नी विदर्भ देश की थी, वो अपने मायके आई हुई थी
आकाश मार्ग से इस दुष्ट कालनेमी राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण करके नीचे उतर के और पद्मावती ने समझा मेरा पति आया है, सहेलियों से अलग हो गई और उसका सत्य भंग किया और कंस के रूप में प्रकट हुआ। यहां देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव से हो रहा है और मंगल विवाह के बाद विदाई के समय कंस चाचा का लड़का भाई है वो सारथी बना है वसुदेव और देवकी का, बड़ा जहेज है और ये विदाई हो रही है और विदाई जब हो रही है तो आकाशवाणी हुई। देवताओं ने देखा कि अगर कंस क्रूर इतना दयालु होके और भगवान के होने वाले माता पिता की सेवा करेगा तो भगवान को आने में देर हो जाएगी, तो उन्होंने आकाशवाणी करके कहा एक मूर्ख कंस देवकी का आठवां गर्भ तेरा काल, ये नहीं बोला बेटा या बेटी। कंस का प्रेम कपूर की तरह उड़ गया, दुष्ट असुर व्यक्ति तब तक प्रेम करते हैं जब तक स्वार्थ होता है, स्वार्थ के ऊपर लात लगी नहीं, उनका असली रूप प्रकट हो गया। कंस ने देवकी को बालों से पकड़ा और तलवार निकाला, देवकी शांत, न तो कहती है भाई मुझे मत मारो, न तो कहती है पति मेरी रक्षा करो, वो तो प्रशांत भगवान की माता बनने वाली है इसलिए निर्भय खड़ी है। लेकिन वसुदेव ने कहा मैं पति हूं, मेरे को अपनी पत्नी का रक्षण करना है, ये मेरा धर्म है। शाम दाम दंड भेद जितने नेम हैं नीति के, पहले प्रशंसा की, अरे भोजराज महाराज आपकी बहन मंगल विदाई का समय ये थोड़ी मारा जाएगा, आप तो बड़े सौम्य हैं कंस, आप तो दीन वत्सल हैं। अरे सरस्वती तो बड़ी चिंतित हो गई, दीन वत्सल कंस कब से हो गया। तब सरस्वती ने एक शाश्वत अर्थ निकाला कि ये बछड़ों का ब्राह्मणों का दीनों का हत्या करने वाला बड़ा हत्यारा है शाश्वत, इसका अर्थ ये है। तो सरस्वती का अर्थ इसका ये निकला और जब कंस किसी और नीति से नहीं माना तो वसुदेव ने कहा जब मृत्यु सर के पेहू पर हो तब कैसे भी उसको टालना चाहिए। उन्होंने कहा कंस भोजराज आपको देवकी से भय नहीं है, इसके संतान से भय है ना, मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं इसके वो सारे संतान जिनसे आपको भय नहीं है दे दूंगा, लेकिन जिसे भय है वो नहीं दूंगा। संस्कृत भाषा में वहां लिखा है कि भय जिससे अभय है कोई भय नहीं है वो दे दूंगा। अगर कृष्ण को वसुदेव उठा के कंस को देकर आए कुरूर को तो क्या भगवान वहां प्रकट होंगे। तो आपको वो सब बच्चे दे दूंगा जिससे आपको भय नहीं है, ये संस्कृत भाषा में आचार्यों का मत है। और कंस को विश्वास था वसुदेव के वचन के ऊपर, छोड़ दिया जाओ, चले गए अपने घर। पहला संतान हुआ वसुदेव और देवकी को, वसुदेव अपना वचन पालन करने के लिए बच्चे को ले आए, कंस को हाथ में दिया। कंस ने कहा इससे मुझे खतरा थोड़ी है, भय तो आठवें चले जाओ। वसुदेव बोलता इतना दया कर रहा है इसके ऊपर विश्वास तो नहीं किया जा सकता, लेकिन नहीं मार रहा है तो मैं जबरदस्ती तो नहीं इसको बोलूंगा कि लो। वसुदेव वापस लौटने लगे, नारद जी सीधे चले आए और कहे हे महाराज भोज वंश के शिरोमणि, मैं आ रहा था देवलोक के सारे देवता यदुवंश में अवतार ले के आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, ये विष्णु पहला होगा कि आठवां होगा इसकी गिनती कैसे समझोगे, चाहे ये आठ उंगलियों को यहां से गिनो तो ये पहली है और यहां से गिनो तो ये पहली है, ये अष्टदल कमल रख के बीच में कहा गिनो कौन सा पहला कौन सा आठवां, आप धोखा मत खाओ। तो क्या नारद जी वसुदेव के बच्चों को मरवाना चाहता है? नहीं, नारद जी जानता है कि जो होने वाला है वो ऐसे ही होगा,
वो सत्य को जानता है, हम नहीं जानते हैं। और कंस का मन बदल गया, वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल के उस बच्चे को पत्थर के ऊपर देवकी के सामने पटका और मार दिया, और पांच और बच्चों को भी ऐसे मारा, छह बच्चों को मार दिया। इनको कहते हैं षडगर्भ। ये छह बच्चे कौन थे? ये छह बच्चे मरीचि के पुत्र थे, ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे और असुर बनने का श्राप मिला था। ये हिरण्याकश के पास पैदा हुए और तपस्या कर रहे थे। हिरण्याकश ने कहा तुम्हारे बाप के हाथों मारो जाओगे, और ये कालनेमी के पुत्र थे और कंस के हाथों मरने थे, और ये नारद जानता था, इसलिए इन छह का वध कंस ने कर दिया। अपने बेटों को कालनेमी ने मारा। ये छह बच्चे द्वारका लीला में एक दिन कृष्ण बलराम माता देवकी को प्रणाम करने जाते हैं। माँ कहती है बेटा आपने अपने गुरुदेव का बहुत पुराने जमाने में मरा हुआ पुत्र वापस ला के दिया था, मेरे छह पुत्र मेरे सामने कंस ने दूध पिलाने से पहले ही मार दिए, मैं अपने बेटों को देखना चाहती हूँ। हाँ माँ। दोनों भाई सूतल लोक में चले गए। बलि महाराज ने बहुत सम्मान किया और आदरपूर्वक पूछा क्या सेवा करूं? बोला ये छह बच्चे जो आपके पास हैं ये मेरी माँ देखना चाहती है। उन छह बच्चों को कृष्ण बलराम वापस लाए, देवकी के स्तन के अंदर दूध आ गया, माता का वात्सल्य उमड़ पड़ा, कृष्ण का प्रसाद का दूध पिया, ये छह वापस देवता बने, असुर योनि से मुक्त हुए। और आचार्य गण लिखते हैं कि भक्ति रूपा देवकी छह दोष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और कंस रूप भय, जब ये छह नाश होते हैं तब भगवान का प्रकट्य होता है। हमारे हृदय में भगवान का प्रकट्य होगा जब ये दोष निवारण होगा, और इसके बाद सातवें गर्भ के रूप में भगवान के लिए आसन बनाने के लिए अनंत शेष बलराम जी देवकी के उदर में प्रवेश हुए, क्योंकि भगवान आएंगे तो उनके लिए आसन की आवश्यकता है, स्थान की शुद्धि करनी है, वो आए। और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में बैठे हैं, उन्होंने देवी का आह्वान किया और देवी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहा देवी भद्रे, देवकी के उदर में जो बालक इस वक्त गया है वो रोहिणी का नित्य सुत है, मेरा धाम है, मम माम धाम कम, रोहिणी का नित्य सुत है, उसको खींचकर रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो। देवी ने कहा एक गर्भ से दूसरे गर्भ में बालक को? भद्रे निश्चित रूप से मंगल कार्य आपके हाथों से होगा, और क्योंकि आपको उसको खींच के ले जाएंगी इसलिए उसका नाम संकृष्ण होगा, क्योंकि वो दो कुलों को जोड़ेगा, सेतु बन के रहेगा दो कुलों के बीच में, यदु कुल के बीच में और नंद बाबा के कुल के बीच में सेतु बनेगा, इसलिए संकृष्ण कहेंगे। और वो भक्तों को खींच खींच कर भगवान के चरणों में ले आएंगे, इसलिए भी उसको संकर्षण कहेंगे, और वो बड़े बलशाली होंगे इसलिए उसको बलभद्र कहेंगे, उनका बल सबका कल्याण करेगा और सबको आनंद देंगे इसलिए उसका नाम राम भी होगा। भगवान ने बलराम जी से जन्म से पहले उसका नामकरण कर दिया, और बड़े भाई के रूप में आज बलराम आ रहे थे, क्योंकि छोटा लक्ष्मण बन के बहुत सी बातें राम जी की उनको पसंद नहीं थी, इस बार कहा बड़ा भाई बन के जाऊंगा, तो भगवान ने कहा बड़ा जा रहा है, बन के तो जा रहा है, संसार वाले कहेंगे बड़ा पहले बलराम आया इसलिए बड़ा, इसलिए पहले नाम दीक्षा दे के संस्कार कर देते हैं तो पता लगे कि आदि पुरुष कौन है, तो ये तीन नाम रख के। और फिर कहा देवी तुम मेरी अनुजा, अनुजा का मतलब छोटी बहन के रूप में यशोदा के वहाँ प्रकाश होना, और ये दो काम तुम करोगी तो तुम्हारा भारतवर्ष में विंध्या पर्वत के ऊपर और अन्य स्थानों पे वैष्णवी के नाम से, काली के नाम से, चमुंडा के नाम से और कात्यानी के नाम से, जो भी ऐसे नाम देवी की है तुम्हारी पूजा होगी, ऐसे भगवान ने आशीर्वाद दिया। और देवी ने सातवां गर्भ देवकी का खींच कर रोहिणी के उदर में, रोहिणी रहती थी वसुदेव के पास, जब गर्भवती हो गई तो अक्रूर काका घोड़ी के ऊपर बिठाकर रोहिणी को नंद भवन में नंद बाबा के पास छोड़ के आए। रोहिणी गर्भवती थी
और अचानक लगा कि मेरा लगता है गर्भपात हो गया, फिर लगा नहीं बचा हुआ है। और रोहिणी के उधर में तो आ गए बलराम जी, और यहाँ कंस के ऊपर लांछन होने लगा के सातवां गर्भ देवकी का कंस ने गिराया होगा। अब भगवान गोलोक में बैठे हैं। भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम अभयंकर, भगवान जो सबके हृदय में विराजमान है, सबसे प्रेम करते हैं, विश्व आत्मा जो है भक्तों को भय से मुक्त करते हैं। आविशेष अंश भागे न, अपने सारे अंशों को अपने अंदर समाकर, मनक अनंक दुमदुबी ही, अनंक दुमदुबी वसुदेव का नाम है। वसुदेव के जन्म के समय देवताओं की दुमदुबियाँ अपने आप बज गई थी, उसका नाम हो गया अनंक दुमदुबी, और उसके मन में भगवान प्रवेश हुए और वसुदेव से प्रकाश निकलने लगा। जिस महात्मा संत साधु आचार्य के हृदय में भगवान का प्रकट्य होता है वो प्रकाश निकलता है, और उसके पास जाने से शांति मिलती है, और वसुदेव के हृदय से जगत का मंगल करने वाला अच्युत अंश देवकी के हृदय में स्थानांतर हुए। इसको कहते हैं सनातनी दीक्षा प्रणाली। गुरु के हृदय में भगवान जागृत प्रकट शिष्य के हृदय में स्थापित करते हैं, मानो वसुदेव ने देवकी को दीक्षा दे दी और भगवान वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में आ गए। जैसे सूर्य का प्रकाश प्राची दिशा में उगते हुए चंद्रमा को प्राप्त होता है, और देवकी भी चमकने लगी, लेकिन कंस के भय से आग राख से ढकी हो ऐसे उसका चमक अभी दिख नहीं रहा था। तो ये सामान्य बालक की तरह भगवान का जन्म नहीं होता, इसलिए भगवत गीता का ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन। भाई मेरा जन्म सामान्य नहीं होता है, अलौकिक होता है, दिव्य होता है, मन में भगवान प्रकट होते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद कहते हैं जन्माष्टमी तो हर साल मनाते हैं, जिस दिन आपके हृदय में भगवान का प्रकट हुआ उस दिन आपकी जन्माष्टमी होगी। हमको अपने हृदय में भगवान को प्रकट करना है, ये हमारे साधन का फल है। कृष्ण प्रेम प्रकट होगा और कृष्ण प्रेम और भक्ति में ये सामर्थ्य भगवान को हृदय में लाती है। वैसे भी भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में तो होते ही हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति करने वालों के हृदय में वही परमात्मा चतुर्भुज त्रिभंग ललित श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हो जाता है। अब देवकी माता भी चमकने लगी, कंस कारागृह में आया, देवकी को देखा और ये चमक रही है, लगता है मुझे मारने वाला इसके उदर में आ गया, लेकिन क्या मैं इसको मारूं, स्त्री को मारूं, गर्भवती को मारूं, मेरे आश्रित है उसको मारूं, नहीं ये ठीक नहीं है। भगवान किसी के हृदय में आ जाए तो कंस जैसे राक्षस का मन भी बदल जाता है, और कंस ने कहा ठीक है जब जन्म होगा तब देखा जाएगा, कंस चला गया। और इस तरफ अब ये आठवां देवकी के हृदय में भगवान, और उधर में तो ऐसे वायु भर रही है जैसे देवकी गर्भवती हो रही है। इस तरफ की कथा यहां रखते हैं। नंद बाबा कल आपको बताया था प्रजन्य के पांच पुत्रों में बीच का पुत्र नंद था, सुना वो उपनंद नंद सुनंद नंदन अभिनंदन ये पांच भाई थे, बीच वाले भाई को राजा बना दिया। और नंद बाबा का विवाह सुमुखा गोप की बेटी यशोदा के साथ हुआ। यशोदा का भी वेदों में नाम देवकी है, लेकिन उसके गुणों से उसको यशोदा कहते थे, और यशोदा को कोई संतान नहीं, नंद बाबा राजा है कोई संतान नहीं। एक दिन नंद बाबा सुबह सवेले जमुना से स्नान करके आ रहे हैं, सवेले नंद बाबा 3:30 बजे चले जाते थे, 4 बजे तक तो स्नान करके लौटते थे। लौट रहे थे तो ब्रजवासी ब्राह्मण अपने बाहर चौकों के ऊपर घर के बाहर दांतन कर रहे थे, तो नंद बाबा ने बड़े आदर से अपने चप्पल उतारे और उनको प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो उन्होंने कहा पुत्रवान भव नंद। नंद बाबा कहते हैं सोच समझ के ब्राह्मणों आशीर्वाद देना चाहिए, इस उम्र में आप कैसे पुत्रवान बनेंगे। ब्राह्मण कहते हैं सोच समझ के आशीर्वाद दें, पता नहीं पूरा हो या ना हो, ये तो भगवान ने हृदय से कहलाया है। और नंद बाबा तो गए अपने घर में अपने सालंगराम जी की पूजा करने लगे। ब्राह्मण नहा धो के चले गए सांडल्य ऋषि के पास।
कहा गुरुदेव हमने नंद बाबा को सुबह आशीर्वाद दे दिया, बोला इतने ब्राह्मणों का आशीर्वाद क्यों नहीं फलेगा, एक महान यज्ञ नंद बाबा से कराओ। 18 अक्षर गोपाल मंत्र का 18 लाख का या 18 करोड़ का जप किया जाएगा और एक महान यज्ञ होना लगा। जमुना जी के किनारे महायज्ञ हो गया, ये ब्राह्मण द्वापर युग के 18 अक्षर गोपाल मंत्र का जप करने लगे। और जब पूर्ण आहुति का समय हुआ, दशांश पूर्ण आहुति का समय हुआ, आकाश से नीला प्रकाश नीचे उतरा, सबने देखा नील कमल जैसा कोई चीज़ नंद बाबा के हृदय में प्रवेश हुआ। और नंद बाबा आश्चर्यचकित है सबके देखते देखते, और घर में नंद बाबा यशोदा से कहते हैं मेरे हृदय में कोई नील कमल बालक है। और यशोदा कहती है मुझे भी लज्जा आ रही है, आपके हृदय से वो बालक मेरे हृदय में आ रहा है। और उस वक्त पूर्णमासी मधुमंगल को लेकर उज्जैन से अवंतिका से आज ब्रज में आई है और उसने कहा नंद यशोदा तुम्हारे घर में बालक होगा। सबने कहा हे योगिनी हे पूर्णमासी आपके मुंह में घी और मिश्री, आपको यहाँ झोपड़ा बना देते हैं, कुटिया बना देते हैं, आप यहाँ रह जाओ। अब समय बीता है, सुबह सवेरे नंद बाबा पूजा कर रहे हैं अपने सालंगराम की, आंखों में आंसू आ रहे हैं, पूजा बीच में रुकी हुई है। यशोदा कहती है क्या बात है आप पूजा में ध्यान नहीं दे रहे हैं। बोला यशोदा क्या बोलूं, मेरे को छोटा सा नीला बालक नील कमल आपकी गोद में आपका दूध पीता हुआ दिख रहा है। यशोदा कहती है लज्जा मुझे आती है, मुझे ऐसा बालक आपकी गोद में खेलता हुआ दिख रहा है। अब दोनों को ये स्वप्न जैसे आया हो, और दोनों ने कहा कि गुरु से पूछें। तब तक सांडल ऋषि आया, सांडल ऋषि को कहा कि हम दोनों को ऐसा सुबह सुबह विचार आ रहा है। सांडल ने कहा आज रात को 12 बजे तक आपके घर में बालक का प्रकट्य होना है। तो यहाँ नंद भवन में पहले ही बारो नंदो पांच भाइयों की एक बहन सुनंदा थी। अब सुनंदा बहन को निमंत्रण भेजा गया कि लेके आओ भुआ घर में आएगी, घर में बालक होना वाला है देखने के लिए। सुनंदा वहाँ से बैलगाड़ी में चढ़ के संभल के आई, सब घर का सामान संभाला, परसों का सब सामान तैयार है। यहाँ यशोदा के यहाँ भी बालक होने का संकेत है, समय हो रहा है। और उस तरफ भी अब देवता सारे चलते हैं वापस कहाँ, मथुरा में। देवता शंकर जी ने ब्रह्मा जी को लिया, ब्रह्मा जी ने नारद को कहा और नारद ने इंद्र को बुलाया, वरुण चंद्र ये सारे मथुरा में कंस के कारागृह में देवकी के उदर में बालक जो आया है कृष्ण उसको प्रार्थना करने के लिए आए। इसको गर्भ स्तुति कहते हैं। संसार में सब शास्त्रों में गर्भ की निंदा की गई है, लेकिन इस भगवान के गर्भ में आने की स्तुति ब्रह्मा आदि देवता कर रहे हैं। गर्भ स्तुति, कभी कभी लोग पूछते हैं कि भगवान गर्भ में कैसे आ सकते हैं, तो हम कहते हैं भैया भगवान सब जगह तो है, सब जगह होते हैं कि नहीं। बोला हाँ सब जगह तो हैं, तो क्या गर्भ सब जगह से बाहर है क्या, वहाँ नहीं आ सकते क्या, या आपसे पूछ के फिर जाएं गर्भ में। अरे भगवान है, उसकी इच्छा है, जहाँ से प्रकट होना चाहे हो सकते हैं, उसमें क्या। वो उत्तरा के गर्भ में चले गए थे, उसके हृदय से नीचे उतर के उत्तरा के गर्भ में चले गए और परीक्षित की रक्षा कर ली, तो कौन सा भगवान को अंतर पड़ गया। तो भगवान की प्रार्थना करने के लिए, और देवता कहते हैं सत्य, आपका वचन सत्य है, आप तीनों कालों में सत्य हैं, आप सत्य की योनि हैं, आप ने वचन दिया था आने का, आप आ गए। और फिर कहा कि आप जब आते हैं तो आपके चरणों की नौका बनाकर ये महात्मा लोग भवसागर को पार कर जाते हैं, और जाने के बाद ये भक्ति की नौका को पीछे छोड़ के जाते हैं और कई लोग संसार को पार कर सकते हैं। और देवताओं ने सुंदर प्रार्थना करने के बाद देवकी को कहा अब निर्भय हो जा रहे हो, आपको और विश्व को अभय देने वाले अब आप प्रकट होने वाले हैं। फिर देवता सारे प्रणाम करके बाहर निकले, दिशाएं सारी शुद्ध हो गई। देवकी को प्राची दिशा से उपमा दी गई है, दिशाओं ने बोला मामा श्री कृष्ण की मौसी बनने वाली हैं क्योंकि वो हमारी बहन है। और आकाश महीना कौन सा है, सातवां मनवंतर है, 28वीं चतुर्युगी है, ये मनवंतर जिसमें हम रह रहे हैं, 28वीं चतुर्युगी है, द्वापर का अंतिम चरण है, भाद्रपद का महीना है, पहले श्रावण का महीना आता है, श्रावण आता है ना, इसका मतलब है श्रवण करो,
श्रवण करोगे तो आपके जीवन में भद्र होगा, और भद्र होगा तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होगा। तो श्रावण के बाद भाद्रपद का महीना है, और भद्रे के महीने में बरसात, आकाश में बादल होते हैं, लेकिन आज आकाश में तारे चमक रहे हैं, आकाश साफ हो गया है। भाद्रपद में भी अष्टमी, और वो भी कौन सी अंधेरी। भगवान कहते हैं अंधेरा सब जगह चला गया है, तो मैं प्रकाश, अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए, अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए, अपनी भक्ति का विधान करने के लिए जा रहा हूं। अष्टमी की तिथि है, भाद्रपद का महीना है, बुध का वार है, और ब्रह्मा जी के जन्म का ब्रह्मा जी की पत्नी के नाम, अजन्मा की पत्नी की नाम, और उसका नाम है रोहिणी, और रोहिणी का नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र है। भगवान के प्रकट्य का समय मथुरा के कारागार में है, रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में। एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं, दूसरे चरण में, इसलिए नाम है वह वासुदेव कृष्ण। और नंद भवन में तीसरे चरण में रोहिणी नक्षत्र के विहारी, रास विहारी, थोड़ा एक चरण का अंतर है सिर्फ। दिशाएं शुद्ध हो गई, पृथ्वी पत्नी है भगवान की, दुल्हन की तरह छह ऋतुओं के पुष्पों से सुसर्जित हो गई। और नदियों ने कहा कि जमुना भगवान की पटरानी बनेगी, कालिंदी चौथी, हम भगवान की सालियां, बरसात की मौसम में मिट्टी वाला पानी नहीं, आज वो स्वच्छ होके बहने लगी। ब्राह्मणों की अग्नियों की ज्योति अपने आप जलने लगी, काले किन्नर और सुंदर गंधर्व नृत्य करने लगे, सिद्ध और चारण गाने लगे, भेदभाव समाप्त हो गया। आकाश ने कहा, कई बार हमने समुद्र को कहा तुम्हारे अंदर सोए हुए भगवान विष्णु का दर्शन करा दो, और समुद्र ने हर बार कहा पहले खारे पानी को मीठा करो, परोपकार करो, फिर दर्शन कराएंगे। आज आकाश बड़े खुश है, बादल बड़े खुश हैं, बादलों ने कहा आज जो ये आ रहा है इसका नाम होगा श्याम, घन श्याम, हमारा नाम इसके साथ जुड़ेगा। आज बहुत बादल प्रसन्न आकाश में अब आने को तैयार हुए हैं। उस वक्त वसुदेव ने अचानक देखा कि चतुर्भुज एक बालक फड़ा है, अद्भुत बालकम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म हस्तम क्रीट मुकुट पहना हुआ अद्भुत बालक को देखा। वसुदेव ने प्रणाम किया और कहा आपका न आद है न अंत है, और आप सब सर्वत्र हैं, और सुंदर बहुत चतुर्श्लोकी भागवत जैसी बड़ी प्रार्थना की। और उसके बाद देवकी ने प्रणाम करके कहा हे भगवान, विश्व सारा जिसके पेट में वो मेरे पेट में कैसे आया, और आप चतुर्भुज रूप में हैं, इसको देख के मुझे भय लग रहा है, आप छोटे बालक बन जाओ। भगवान ने बालक बनने से पहले उन दोनों से संबोधित हो करते हुए कहा कि देखो आप प्रश्नी थी, सतरूपा और प्रश्नी थे, तब आपने बड़ी तपस्या की थी, मेरे जैसा पुत्र चाहा था, मेरे जैसा और कोई होता नहीं है, इसलिए पहले मैं आपका प्रश्नी गर्भा पुत्र हुआ, फिर आप आदित्य और कश्यप हुए, तब मैं वामन देव के रूप में आपका पुत्र हुआ, अब देवकी और वसुदेव, मैं आपका वसुदेव कृष्ण हूँ। आपको कंस से अगर भय लगता है ना, ये सूरसेन के पुत्र सूरवीर ततश्च सौरेर प्रचोदयात, भगवान ने कहा मेरे को यहाँ से ले चलो, और गोकुल में नंद भवन में यशोदा के पास रखकर वहाँ से जो कन्या है उसको यहाँ लेकर आओ। भगवान ने वसुदेव को ये आदेश दिया, और वसुदेव ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। वसुदेव के हाथ में हथकड़ी थी, पाँव में बेड़ियाँ थी। वसुदेव ने उस छोटे बालक को, कोमल बालक को रेशमी गदेले में ऐसे उठाया, जैसे वसुदेव ने बालक को छाती से लगाया, हाथ की हथकड़ियाँ नीचे गिर गई, पाँव की बेड़ियाँ नीचे गिर गई, दरवाजे ऐसे खुल गए जैसे सूर्य के उगने से अंधेरा चला जाता है, कोई आवाज़ नहीं हुआ। लिखा है कृष्ण वाहक वसुदेव, वाहक का मतलब ढोने वाला, जो कृष्ण को हृदय में ढोता है उसके सारे बंधन खुल जाते हैं, उसके सारे रास्ते साफ हो जाते हैं। और भगवान की महामाया जो मानव को भुला देती है, उसने मथुरा वाले सबको सुला दिया, और दूसरे तरफ भगवान की योग माया जो लीला करती है
उसने गोकुल वालों को भी सुला दिया और वसुदेव बालक को लेके बाहर निकले। सब दरवाजे खुले मिले। बादलों ने कहा, बच्चे का स्नान नहीं कराया, अभी तो इसका जन्म हुआ है, ऊपर से हल्की बूंदाबारी होने लगी और भगवान का अभिषेक हो रहा है। इंद्र को विचार आया कि हमारी प्रार्थना पे आए हैं, गर्मी की मौसम है, कहीं कोई बाहर सोया हुआ होगा और देख लिया वसुदेव को बच्चे को ले जाते हुए, इसलिए ऐसी वर्षा होनी चाहिए कि आँख के सामने कोई चीज़ दिखाई ना दे। मूसलाधार बारिश होने लगी और शेष ने देखा कि इंद्र को क्या हो गया, इतने छोटे बालक के ऊपर इतनी बारिश। शेष पीछे से वसुदेव और कृष्ण के ऊपर छाता बन गए और जमुना के किनारे वसुदेव देखते हैं तो समुद्र में जैसे कुंड कोई हो ऐसे जमुना भयंकर बह रही। निर्भय वसुदेव उसके अंदर प्रवेश हुए। जमुना का पानी जब नाक तक पहुंचा तब वसुदेव ने बच्चे को सर के ऊपर रखा और नाक से ऊपर पानी आने लगा, तब कहा, कोई ले लो, कोई ले लो। एक गाँव है कोयला, आज भी एक गांव है कोयला, ये गोकुल के पास में गांव है, कोई बच्चे को ले लो, कच्ची बच्चे को ले लो। और भगवान ने चरण अपना बाहर निकाला और जमुना जी ने भगवान का चरण का दर्शन करके धोया। जमुना ने पहले तो भगवान को ये दिखाना था कि मेरे यहाँ पेट में कालिया नाग बैठा हुआ है, आपको अभी से प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारे शुद्धि करनी है। और दूसरा, भगवान के चरण का दर्शन करने के लिए जमुना ऊपर आई। जैसे ही भगवान के चरण का स्पर्श हुआ, जमुना ने ऐसे रास्ता दे दिया वसुदेव को जैसे हिंद महासागर ने रामचंद्र को मार्ग दे दिया था। वसुदेव जी नंद भवन में प्रवेश हुए, सारे उत्सव की तैयारी करके बैठे हुए थे, बजाने वाले बैठे हुए थे, गाने वाले बैठे, लेकिन सभी सो गए, योग माया ने सुला दिया। बच्चे को रखा यशोदा के पास में और बच्ची को उठा लिया और वसुदेव वापस निकला। सब सोए हुए थे। जमुना ने फिर भगवान के पिता को रास्ता दे दिया और दरवाजे खुले मिले और अपने कक्ष में जैसे कारागृह में पहुंचा, दरवाजे बंद, हथकड़ी पड़ गई, बेड़ियां आ गई और बच्ची ने रोया। बच्ची ने रोया, संतरी जाग गए, सिपाहियों ने कंस को जगाया। रात को 2:30 तो बज गए होंगे, 12 बजे भगवान का प्रकट्य हुआ। मध्य रात्रि को गए गोकुल, वापस आए, कंस को नींद नहीं थी, कंस के बाल बिखरे हुए थे और कंस वहाँ से आया है और आते ही देवकी के हाथ से छीनना चाहा लड़की को। देवकी ने कहा, अपने पुत्र तो बलिदान दे दिए, ये तो यशोदा की पुत्री है, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। कंस को कहा, बेटा, कंस को भैया, ये बेटा नहीं है, बेटी है, इससे आपका क्या बिगाड़े, अरे मेरा आखिरी संतान है, इसको तो छोड़ दो, बड़ी हो जाएगी तो आपके पुत्र के साथ विवाह भी कर दूंगी, आप इसको मत मारो। लेकिन देवकी की एक कंस ने नहीं सुनी, बच्ची को जबरदस्ती खींच के लिया और पटकने लगा पत्थर पे, आकाश में गई अष्टभुजाओं में। देवी ने कहा, ए मूर्ख, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका। ये जो असुर होते हैं ना, देवी देवता के बड़े पूजने वाले होते हैं लेकिन भगवान के ईर्ष्यालु होते हैं। अरे कंस डर गया, बोला, देवी कह रही है तो सच कह रही होगी। और कंस का दिमाग बदल गया, वसुदेव और देवकी के पांव पड़ के कहता है, बहन देखो, ये देवताओं ने झूठ बोला था कि 8वां लड़का होगा, ये तो लड़की हो गई। अरे मैंने कुछ नहीं किया, देवताओं ने गलत रास्ते पर मेरे को डाल दिया, आप मेरे को क्षमा कर देना। अरे भैया वसुदेव, आपकी क्षमा, आप आज़ाद हो, आप जाओ अपने घर, आपको मुक्त करता हूँ। कंस ने इन दोनों को मुक्त कर दिया और कंस वापस, 2 घंटे तो उसका बुद्धि ठीक रही। और सुबह जैसे उसके संतरी मंत्री आए, अघासुर आया, बकासुर आया, पूतना आई, चाणूर आया, मुष्टिक आया, उसने बोला, महाराज चिंता में क्यों है? बोला, 8वें गर्भ में लड़की हुई, वो आकाश में अष्टभुजा में वो देवी हो गई और कहा कि मुझे मारने वाला पैदा हो गया। अरे हंसने लगे, महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के सारे देवता आपसे डरते हैं, और जितने बच्चे ब्रज में पैदा हुए हैं सबको मार देंगे, आप क्यों डरते हो? और कंस ने फिर अत्याचार शुरू कर दिया। कंस के अत्याचारों को छोड़ते हैं, अपन चलते हैं फिर वापस गोकुल में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोकुल में कृष्ण को जैसे, असल में गोकुल में ऐसे लिखा है शास्त्रों में, ऐसा वर्णन है कि यशोदा ने 2 बालकों को जन्म दिया, एक गोविंद आख्या, एक को गोविंद कहा जाता है, और एक योग माया जिसको कंस ले गया।
अब जो बच्चा वसुदेव लेकर आया था, वसुदेव कृष्ण चार हाथों वाला जो प्रकट हुआ था, वो है अवतार जिसके लिए ब्रह्मा पृथ्वी के कहने के ऊपर प्रार्थना की थी, वो तो है अवतार। और जो बालक नंद और यशोदा के यहां प्रकट हुए, वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और वसुदेव जो बच्चा लाए, वो नंद नंदन में समाए और दोनों एक हो गए। इसके लिए दो कारण लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कहते हैं एक तो जातकर्म संस्कार किया नंद बाबा ने। जातकर्म संस्कार का मतलब है मां से बच्चे का जो नाड़े का संबंध है वो काटना। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है कि वसुदेव नाड़े के साथ बच्चे को मथुरा से लाए होंगे, इसका मतलब किसी बच्चे का जन्म हुआ तब ना। और दूसरा, अनुजा अगर देवी को भगवान ने कहा तो बड़ा भाई होगा, तब छोटी बहन होगी ना, बड़े भाई के बगैर तो छोटी बहन नहीं हो सकती। इसका अर्थ है कि नंद भवन में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ, उसके साथ एक माया के रूप में वो लड़की प्रकट हुई। अब बालक रोया, मैया सोई है, बालक रोया, सुनंदा ने जाके देखा और देखा कि बच्चा लड़का है। सुनंदा नाचती हुई गई और नंद बाबा को कहा आपके घर में बालक हुआ, और नंद बाबा जैसे बैठे थे ऐसे ही कूद के जमुना में स्नान किया कपड़ों के साथ। वैसे कपड़ों के साथ स्नान करना निषेध है, लेकिन पुत्र आदि के ऐसे प्रसन्नता में जब स्नान किया जाता है, जितने छींटे ऊपर उड़ते हैं उतने पितृलोक में बैठे हुए पूर्वज सब प्रसन्न हो जाते हैं। नंद बाबा बड़ा आनंद में मगन हो गए और फिर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के। ये नहीं है कि नंद को बेटा हुआ, नंद के घर में आनंद आया, भगवान सच्चे तो आनंद है ना, आनंद भयो नंद के। नंद जात अहलाद, नंद के घर में अहलाद साक्षात प्रकट हुआ है। और नंद के घर में जब अहलाद हुआ, इसके बाद 18 श्लोकों में नंद उत्सव का वर्णन है। दूसरे दिन 18 श्लोकों में बड़ा सुंदर नंद उत्सव का ऐसा वर्णन है। पहले पहले तो ग्वाल बालों ने कहा आज आज गैया चराने नहीं, सारी गैया लेके नंद भवन में चलेंगे, क्योंकि आज एक और गोप आ गया गैया चुराने वाला, हमारा साथी। पहले तो गैया नंद भवन में आके पहुंची, फिर गोपू ने जो नए वस्त्र पहना के रखे, बना के रखे थे, और नंद को पुत्र नहीं है, जब होगा हमारे राजा को पुत्र तब पहनेंगे, आज पेटियों से नए वस्त्र पहने हैं और रेशमी पहने हैं, काजल वाजल लगाया है, ये गोप डंडा हाथ में उठाया है और नंद भवन में बधाई देने को आए हैं। और फिर गोपियाँ सज धज के और पंचरंगी साड़ी पहन के और क्या पंचरंगी क्या कहते हैं ये पहनते हैं, ब्रज की गरारा जैसा होता है, क्या कहते हैं उसको, गोपी ड्रेस जैसा, गोपी ड्रेस आजकल का उस नाम है उसका बड़ी सुंदर सज धज के हाथ में थाल, उसके अंदर तिल और हल्दी और ये नज़र उतारने का सामान लिया है, और नंद भवन में यशोदा को बधाई देने आई। यशोदा कन्हैया को छुपा रही, अरे कन्हैया का दर्शन करने आई है, नहीं नज़र न लग जाए, अरे हमारे थाल में देखो नज़र उतारने का सामान लाई है, चिर जिए ये बच्चा आपका, चिर जिए, ब्रज का राजा बने। वो गोपियों ने कृष्ण को पहली बार देखा तो अपना हृदय कृष्ण को दे गया, कृष्ण प्रेम में मदमस्त हैं। और इसके बाद दही कांदो उत्सव, दही कांदो उत्सव नंद भवन में हो रहा है। दही कांदो उत्सव का मतलब है जितना दही उतना दूध उतना घी, और उसके अंदर केसर आदि मिला के उसको घोटते हैं। और उस दही कांदो उत्सव की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, वृषभानु महाराज अपने समाज के साथ कीर्ति मैया के सर के ऊपर मटका लेकर, और जब नंद भवन में आए तो कीर्ति मैया मटका लेके सर के ऊपर खड़ी है दही कांदा का, और नंद बाबा ने अपनी लाठी उठाई और घुमा के दे मारा उस मटके को, मटका फूटा और फिर सबने एक दूसरे के ऊपर दही और दूध और मक्खन ऐसा फेंका कि नंद भवन सारा दूध का सागर बन गया। बोला नंद भवन में आज दूसरा दूध सागर का मंथन हो रहा है। तब सब गोपू ने कहा नंद बाबा
अब तुम लज्जा छोड़ो, आज तुमको नाचना पड़ेगा। सबको बीच में खड़ा किया नंद बाबा को, और बड़ा एक पटका उसके कमर में बांधा, एक तरफ बरसाना वाले और एक तरफ नंदगांव वाले, अभी तक तो एक तरफ वरावल वाले और एक तरफ गोकुल वाले हैं, और ऐसे घुमाने लगे नंद बाबा फिरने की तरह। आज मंदराचल वहाँ तो पर्वत पत्थर था, यहाँ साक्षात नंद है। वहाँ तो विष निकला था समुद्र में, यहाँ तो जात अहलाद, यहाँ तो साक्षात कृष्ण आनंद निकला है। तो नंद भवन में तो एक बहुत बड़ा समुद्र मंथन हो रहा है, और दूध दही की धारा ऐसे बह रही है कि जमुना से दूध की धारा प्रयाग तक जाके पहुँची। इतना दूध था, इतना दही था, और ऐसे मक्खन एक दूसरे के ऊपर मार रहे हैं। 125 साल की एक बुढ़िया, दांत नहीं कुछ भी, नंद बाबा के भी जन्म उत्सव में आई थी, कहती है ऐसा जन्म उत्सव आज तक नहीं देखा। तब तक एक ग्वाल ने मक्खन का गोला फेंका, आप मैया मक्खन को निगल गई, बोला यहां कोई भूखा नहीं। बड़ा सुंदर, और सारे देवता नंद उत्सव को देखने के लिए आए। शंकर जी अपने बैल के ऊपर चढ़ के ब्राह्मण के रूप में आए, नंद बाबा गाय दे रहे हैं, 2,20,00,000 गाय। शंकर जी पूछ पकड़ के, बैल को पकड़ के खड़े हो गए, कहीं मेरा ये बैल न दान कर दे। और मैया पार्वती ने गणेश को छाती से लगा दिया, तो ये छोटे हाथी दे रहा है, बड़े हाथी दे रहा है, कहीं हाथी का बच्चा। हाँ, हाथी दिया, घोड़े दीना और दीनी पालकी, हाँ हाथी दिया, घोड़े दिया, पालकी दिया, छोटन को बड़न को, हाँ छोटों को दिया क्या लड्डू, और बड़ों को लापसी दिया, हलवा दिया, दांत नहीं थे ना। तो नंद के उत्सव में तो कहते हैं कि लक्ष्मी ब्रज में क्रीड़ा करने लगी। इसका अर्थ ये है कि नंद बाबा का नाम है महामना, बड़ी उदारता से दान कर रहा था। गाय ले जाओ, सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, एक आदमी चांदी ले जा रहा था, दूसरे का अरे क्या लिया है, बोला चांदी, नंद भवन से चांदी सोना मिला और चांदी उधर फेंक दिया, चला गया नंद भवन में सोना उठाया, अरे सोना लाए उधर हीरा मोती सोना, नंद जा रहे ब्रज में, जहाँ देखो कहीं सोना कहीं चांदी कहीं हीरा कहीं मोता, वो लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली बन गई। वैसे भगवान श्री चेतना महाप्रभु के प्रकट्य के बाद उनके पिताजी कहते हैं, मिश्रा जी कहते हैं कि जब से ये श्री कृष्ण चेतना प्रकट हुए हैं, किसी वस्तु का अभाव नहीं है, सब चीज़ें अपने आप यहाँ प्रकट हो रही हैं। तो भगवान आते हैं तो लक्ष्मी तो वहाँ सेवा करने के लिए अपने आप प्रकट हो जाती है। और जैसे नंद उत्सव पूरा हुआ है, नंद बाबा को चिंता हुई कि कंस का कर चुकाना चाहिए। बैलगाड़ियों के ऊपर दूध दही मटका भर के और मथुरा के लिए रवाना हुए हैं, और बाकी नौजवानों को गोकुल की रक्षा के लिए छोड़ा है। नंद बाबा ने जाके कंस को कर चुकाया, एक बगीचे में अपनी गाड़ी को खड़ा किया, वसुदेव मिलने के लिए आया। नंद और वसुदेव का मिलन, दो भाइयों का, दो मित्रों का ऐसा मिलन है। वसुदेव कहते हैं, नंद आपको इस उम्र में पुत्र हुआ, आपको बधाई हो, आप बड़े भाग्यशाली हो। और नंद बाबा कहता है, वसुदेव आप हमारे भाई हमारे मित्र, इतना संकट आपने सहा, हम आपके दुख में कभी आपकी सहायता न कर पाए, इस बात का हमको दुख है। तो नंद बाबा न अपने सुख की बात कर रहे हैं और वसुदेव अपने दुख की बात नहीं कर रहे हैं। वसुदेव नंद के सुख में सुखी है और नंद बाबा वसुदेव के दुख में दुखी है। फिर वसुदेव कहते हैं, हमारा बलराम भी आपको ही पिता समझता होगा, जहां वो मानता है जानता है कि मैं कृष्ण को छोड़ के आया हूं। और फिर वसुदेव ने कहा, नंद जरा देर मत करना, जल्दी वापस गोकुल चले जाओ, गोकुल में उत्पाद होने हो सकते हैं। नंद बाबा ने तत्काल अपनी बैलगाड़ियां तैयार की और भगवान जो सबके हृदय में है उस भगवान का शरण लिया, और नंद यहाँ से रवाना हुए, वसुदेव वापस अब वहाँ चले गए। इस बीच में मामा कंस ने पहला खिलौना अपने भांजे के पास, आकाश मार्ग से उड़ने वाली कामचारिणी खेचरी, एक गांव है ब्रज में खेचरी, खे कहते हैं आकाश में, चरने का मतलब आकाश में उड़ने वाली, अपनी रूप बदल के जाने वाली, पूत ना मतलब जो पवित्र नहीं है, पूत मने पवित्र, ना मतलब नहीं, पूतना को भेजा। और भगवान ने कहा कि ये पूतना जाके किसी, और पूतना कैसी है, बाल घातिनी। ये शब्द सुन के परीक्षित का चेहरा उतर गया, कथा सुनते सुनते। तब सुखदेव महाराज कहते हैं, जिसके नाम लेने से कोई अनिष्ट नहीं हो सकता है, वो साक्षात जहां बैठा हुआ हो वहां ये पाक
ये बाल घातनी क्या बिगाड़ सकती है, सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं सुखदेव महाराज। और फिर ये पूतना भगवान ने प्रेरणा दी कि और कोई ब्रज का बच्चा नहीं मरेगा, तुम सीधा मेरे पास सीधी आ जाओ मासी। और पूतना जी गोकुल में उतरी और इतनी सुंदर लग रही थी ब्रजवासी देख के, अरे देवी लगता है कि अपनी पत्नी से पति से मिलने लक्ष्मी तो नहीं आई है। और सभी आनंदित हैं और पूछ रहे नंद भवन कहाँ है, और नंद भवन में घुस गई और नंद बाबा के कमरे में चली गई, किसी ने रोका नहीं। और ये पीला पीतांबर झीना झीना ओढ़ा हुआ, ये नील कमल सोया हुआ है, एक तरफ रोहिणी मैया बैठी है, एक तरफ यशोदा मैया बैठी है, और दोनों को कहती है बच्चे को ऐसी आंखों से देख रही है, टुकर टुकर दूध नहीं पिला सकती, बस बच्चा पहली बार देखा है क्या, लाओ मैं दूध पिलाती हूँ। भगवान की योग माया ने भगवान की माताओं को भी लीला के लिए भुला दिया, और इसने उठाया बच्चे को और अपना स्तंभ उसके मुख में दे दिया, और भगवान ने आंखें बंद कर दी। कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर दी, आचार्यों ने बड़े भाव लिखे हैं। पहले तो भगवान ने कहा मैंने इसके ऊपर दृष्टि डाली तो ये सुंदर जो बन के आई है ये वापस बंदरी बन जाएगी, मेरी माँ डर जाएगी, ये अपने स्वरूप में आ जाएगी ना, भगवान ने देखा तो जो जैसा है वैसा हो जाएगा। और दूसरा भगवान ने कहा आई है दूध पिलाने माँ, और श्रृंगार करके पत्नी वाला आया है, ये बहुरूपी है, इसका मुंह देखना ठीक नहीं। फिर भगवान ने कहा देखो मैं आया हूँ दूध दही मक्खन खाने ब्रज में, और ये विष लगा के आई, अरे विष पीना तो भगवान शंकर का काम है, कोई बात नहीं, भोलेनाथ को ध्यान करके आंखें बंद करें, आइए भोला जी आप विष पी लीजिए, मेरे को दूध पीने दीजिए। और दोनों आंखें चंद्रमा और सूर्य हैं, और यही मार्ग है जाने का सबका, या अर्ची मार्ग से जाएगा या देव मार्ग से जाएगा। ये तो आंखें दोनों कहती हैं ये तो बड़ी राक्षसी है, इसको तो गति मिलेगी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, आंखें बंद करते हैं, भगवान जो चाहे वो करे। और उसने जैसे स्तन मुख में दे दिया, भगवान ने उसका दूध क्या पिया, उसके प्राण खींचने लगे, और कहती है पूतना मुंचे छोड़ो छोड़ो। भगवान कहते हैं मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना आता ही नहीं, एक बार पकड़ लिया तो मैं छोड़ता नहीं हूं। और उसको पीड़ा हुई और भगवान ने प्रेरणा दी कि यहां से भाग। बोला क्यों, बोला अब तुम गिरेगी तो अपने रूप में आएगी, और ये नंद भवन मुझे नहीं गिराना है, सीधी यहां से भागती हुई वहां चल जहां कंस का 12 कोस का सुंदर फल वाला बगीचा है। जब वहां पहुंची तो पूतना का प्राण निकला, धड़ाम से नीचे गिरी, और गिरते ही 12 कोस की बड़ी राक्षसी बन गई, और भगवान वो स्तन उनका एक चट्टान की तरह उसके ऊपर बैठे हुए हैं। और ब्रजवासी कहते हैं उसकी अलकें अलीगढ़ में गिरी और हाथ हथरस में गिरे, ये हथरस और अलीगढ़ ब्रज के चारों ओर गांव हैं, इतनी बड़ी भयानक हो गई। और यहाँ माँ यशोदा तो मूर्छित हो गई, रोहिणी मूर्छित हो गई, बाकी गोपियां दौड़ी उसके पीछे पूतना कैसे, वहां जाके देखें तो बड़ा दो जैसे नदी के तट हों ऐसी उसके दोनों जांघें पड़ी है, और उसकी नासिकाएं गुफा जैसे कोई पर्वत की गुफाएं हैं, उसके दांत जैसे कोई पर्वत की श्रृंखला है, और स्तन पर्वत की चोटी उसके पास में बाल खेल रहा है। गोपियन बोला ऐसे इतनी बड़ी के ऊपर चढ़ेंगे कहाँ, उसकी चोटी दोनों तरफ की डबल चोटी की हुई थी ना, सिंगार करके आई थी डबल चोटी, वो डबल चोटी की सीढ़ी बनाई और उसको बांध के, और उसके ऊपर से गोपियां उसके सर के ऊपर पांव रख के चढ़ गई, और कन्हैया को उठाया, उठा के गोपियां नीचे उतराई, उतरा के सीधा गाय के खुर की धूली ली, गाय की पूछ ली, गोपाल तेरे माथे की रक्षा करे, गोविंद तेरे भुजा की रक्षा करे, और गोपीनाथ तेरी छाती की रक्षा करे, ऐसे बाल रक्षा के बहुत सुंदर मंत्र पढ़ने लगी। फिर गोपियों ने कहा हम तो मुर्दे के ऊपर चढ़ के मंत्र पढ़ रही हैं, पहले हम तो शुद्ध हो जाएं। और फिर गोपियों ने आचमन आदि किया, फिर वापस मंत्र किया पढ़ा, फिर बच्चे को लाया, यशोदा को दिया, यशोदा ने दूध पिलाया और बच्चा दूध पीने लगा, मैया ने कहा बच्चे को कुछ नहीं हुआ, और यहाँ बच्चा पहुँच गया और बच्चा सुरक्षित है, और पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। ये अविद्या रूपी झूठ मूठ के गुरु के रूप में आई थी, कह रही थी दूध पिला रही थी लेकिन विष पिला रही थी। ऐसे झूठ मूठ के गुरु कहते हैं कि आपको भगवान मिलाएंगे लेकिन विषयों में फंसा देते हैं, ये
झूठे गुरु का प्रतीक थी, ये अविद्या का प्रतीक थी। कृष्ण लीला में पूतना का वध और राम लीला में ताटका का उद्धार, दोनों का एक जैसा ही स्त्री को ही भगवान ने, ये जो राक्षसी के रूप में आई थी, इनका उद्धार किया है। नंद बाबा वापस लौट रहे हैं तो देखें रास्ते के ऊपर पर्वत गिरा हुआ है। सुबह यहाँ से गए थे, रास्ता साफ था, ये पर्वत कहाँ से गिरा? वसुदेव बड़ा कोई भी ज्योतिषी है, पता नहीं इतना बड़ा विद्वान है, उसको सब पता लगता है। वो कह रहा था ब्रज में उत्पात होंगे, सचपच यहाँ तो बड़ी राक्षसी इतनी बड़ी भयानक है, ये वापस जीवित न हो जाए। टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके कुल्हाड़ी से, फिर लकड़ी लाए और आज पूतना का अग्नि संस्कार नंद बाबा करा रहा है। भगवान ने जो उसको स्तन का पान कर लिया और उसके अग्नि संस्कार से इतनी गुरु की और चंदन की खुशबू होने लगी कि 10 कोस में ब्रजवासियों ने लगा समझा कि कहीं यज्ञ हो रहा है, भंडारा है, क्या करना है। सभी भागने लगे उधर, तो पूतना इतनी पवित्र हो गई कृष्ण के स्पर्श मात्र से। और भगवान ने क्या स्तन को पान किया, उसको धात्री गति दे दी, उसको गोलोक में यशोदा की सेवा में लगा दिया है। इसलिए भगवान ने विष को नहीं देखा, उसके दूध पिलाने वाले भाव को देखा। कल आपको बलि चरित्र सुनाया था, बलि की एक बहन थी, बलि की बहन जब वामन देव को आते हुए देखा तो सुंदर बालक को देख के रतनमाला ने कहा ये बच्चा हो तो दूध पिला दूं, मेरा ऐसा बच्चा होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, तेरा इच्छा पूरी करेंगे। बलि महाराज को जब वरुण पास से बांध दिया भगवान ने, तब कहा इसको तो विष देना चाहिए। भगवान ने कहा ये भी तेरी इच्छा पूरी करेंगे। तो बलि की बहन ये पूतना बन के रतनमाला आई और भगवान ने इसकी दोनों इच्छाएं पूरी की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण 3 महीने के हुए, करवट बदलना शुरू की, मैया ने बड़ा उत्सव किया, गोपियां घर में आई, मैया ने दूध पिला के कृष्ण को बाहर एक लकड़ी का छकड़ा था, एक बैलगाड़ी जैसी लकड़ी की थी, उसके ऊपर घी दूध दही के बर्तन रखे थे, उसके नीचे सुला दिया और छोटे बच्चों को कहा इसकी देखभाल करना, रोए तो मुझे बुलाना। और अंदर गोपियाँ गाने और खाने लगी। कृष्ण ने बोला उत्सव मेरा, नाम मेरा, खा ये रही है और मेरे को घर से बाहर, मैं रस राज और मेरे ऊपर गौ रस रखा है, अरे ये मेरे से तो ठीक नहीं है, क्या करना चाहिए। तब तक एक असुर जिसको वरदान था कि अपना हवा की तरह बिना दिखाए उस छकड़े के अंदर प्रवेश किया, शकट के अंदर प्रवेश किया। भगवान ने कहा वैसे गोपियों को तो भी अपनी ओर बुलाना है और ये मामा का दूसरा खिलौना जो आया है इसको भी खेल के देख लेता हूँ। भगवान ने अपना पांव छोटा सा उठाया 3 महीने वाला और उस छकड़े के एक्सल को लगाया, धड़ाम से छकड़ा नीचे, सारे बर्तन नीचे, आवाज़ हुआ, गोपियाँ सब भागती आई, क्या हुआ क्या हुआ, किसने गिराया? वो बच्चे कहते हैं इतने पाँव माला। अरे इसने पाँव कैसे मारा होगा, इसके पाँव से इतना छकड़ा गिरता है कि बच्चे सच बोल रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं मानी। और कन्हैये को उठाया, माँ ने दूध पिलाया, फिर स्वस्ति वाचन कराया, फिर ब्राह्मणों को दान दिया। 1 साल का कृष्ण हो गया। वैसे क्रम ऐसा है कि इससे पहले नामकरण संस्कार हो गया है, लेकिन भागवत में नामकरण संस्कार आगे आएगा 8वें अध्याय में, लेकिन यहाँ भाव में पहले लीला कहे गए हैं, क्रम में नहीं है। वो 1 साल का जब श्री कृष्ण हो गया, मैया दूध पिला रही, मैया दूध पिला रही है, कृष्ण भारी होने लगे। मैया ने समझा मेरा पाँव सो गया है, लेकिन कन्हैया ने समझा कि मामा हेलीकॉप्टर भेज रहा है, क्योंकि आकाश में घूमना है ना, मामा बहुत खिलौने भेजे। तो मैया ने कृष्ण को नीचे रख दिया, जैसे कृष्ण को नीचे रख के मैया गई, वो तृणावर्त बमंडल के रूप में आया और कृष्ण को उठाया, आकाश में ले गया, कृष्ण ने गला पकड़ लिया। अब ऊपर से कृष्ण गोकुल को देख रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो अगर जाए मथुरा की तरफ तो कृष्ण भारी हो जाए, और गोकुल के ऊपर घूमे तो हल्का। और थोड़ी देर के घूम के देखा और फिर कृष्ण भारी होने लगा। उसने बोला सामने के काला पत्थर मेरे गले में किसने बांधा है, और उसका सर नीचे, और वो वापस उधर ही नंद भवन में आके एक पत्थर के ऊपर सर गिरा, उसका सर फट गया और कृष्ण उसके पास में वैसे प्रेम से बैठे थे। तो तृणावर्त का भगवान ने यहाँ उद्धार कर दिया
और एक तृणावत शिला आज भी नंदगांव अपन गोकुल में जाते हैं तो पड़ी हुई है वहाँ नंद भवन में। आज फिर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला के स्वस्ति वाचन आदि कराया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ शुरू होती और बाल लीलाएँ शुरू जो होती हैं उन शुरू बाल लीलाओं में पहले तो भगवान का घुटनों के भर रेंगना शुरू होता है और फिर पाँव में जो बांधे हुए घुंघरू हैं जो पायल है उसका आवाज़ सुन के उसका आनंद लेते हैं। फिर थोड़े बड़े हुए तो बछड़ों की पूँछ पकड़ के और उसके पीछे भागते हैं और फिर माखन चोरी का अब प्रसंग आ गया। माखन चोरी का प्रसंग आने से पहले एक दिन माँ दूध पिला रही है कृष्ण को और एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया। मैया ने कहा इतना दूध पिएगा तो अपच हो जाएगी, तो भगवान ने जमाई ली और जमाई ली तो पूरा ब्रह्मांड दिखा। अरे मैया तू क्या समझती है, तेरे दूध से मेरा अपच होगा, पूरा ब्रह्मांड मेरे पेट में पड़ा है, कितना भी पिएगा क्या होगा, पूरी दुनिया अंदर है। और फिर मैया ने अब तो रूप तो दिखा दिया भगवान ने, अब नाम भी तो होना चाहिए ना, तो असल में नामकरण संस्कार पहले होता है फिर माखन चोरी शुरू होती है। नामकरण संस्कार का प्रसंग है, वसुदेव महाराज ने देखा कि मेरे दो बेटे बलराम जी रोहिणी का पुत्र और मैं कृष्ण को छोड़ के आया हूँ, अभी तक नाम नहीं हुआ है और बच्चे का नाम 6 महीने से कम रख देना चाहिए, नहीं तो नाम बिगड़ जाता है। तो गर्ग आचार्य को भेजा, गर्ग आचार्य जैसे ही गोकुल में प्रवेश हुए अधोक्षजय की वृत्ति से नंद बाबा ने उसका सम्मान किया, कहा कि आप तो साक्षात ज्योतिष शास्त्र का मूर्तिमान स्वरूप हैं और आप आ ही गए हैं, आप जैसे महात्मा हम जैसे गृहस्थियों के हित के लिए विचरण करते हैं, नहीं तो आपको घूमने की जरूरत नहीं है, हमारे दो बालकों का नामकरण संस्कार तो कर दीजिए ना। गर्ग आचार्य कहते हैं मैं हूं यदुवंशियों का पुरोहित, कंस को अभी तक संदेह है कि वसुदेव की लड़की नहीं हो सकती, लड़का कहाँ है पता नहीं, मैंने अगर नामकरण संस्कार किया तो कंस को संदेह हो जाएगा और आपके बालकों के लिए अच्छा नहीं है। नंद बाबा ने कहा कोई उत्सव नहीं करेंगे, बोला आपने इतने बड़े उत्सव नंद उत्सव इतना किया और उसके बाद वो करवट बदल दी तब बड़ा उत्सव कर दिया, बोला नहीं 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 नामकरण के लिए बाहर भी नहीं, हमारे महल की गौशाला में गोबर पहले लेपा हुआ है, लोग सब बाहर चले गए हैं, स्वस्ति वाचन केवल करना, दो माताएं होंगी और एक मैं और एक आप, बस दो बच्चे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, आप कृपा करके नामकरण संस्कार कर दो। आया ही गर्गमुनि नामकरण संस्कार करने था, अब गौशाला में दोनों माताएं बच्चों को लेके बैठी हैं। गर्ग आचार्य कहते हैं ये जो रोहिणी नंदन है ये संकृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होगा, इसको बलभद्र भी कहेंगे, राम भी कहेंगे, और इनके अर्थ पहले बता दिए हमने। और फिर कृष्ण की ओर देखकर कहते हैं ये तो जुग जुग में अवतार लेता है, ये कभी रक्त वर्ण में आता है, अब नील वर्ण में आता है आया है, फिर पीत वर्ण में आएगा, पीले रंग में आएगा, भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार की भविष्यवाणी कर दी। और फिर कहा कि पहले जो वसुदेव का बेटा था ना वो आपका भी नंद बेटा है, ये भी सही कहा कि वसुदेव के वहां प्रकट हुआ ये आपका भी बेटा है। और फिर कहा कि इसमें नारायण के समान नारायण समोह गुण है, लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं नारायण असमोह गुण है, नारायण में भी गुण नहीं है वो इसमें गुण होंगे, ये आप सब गोकुल वासियों की रक्षा करेगा, आप अब इसको प्रेम से पालन करो। ऐसे सुंदर नामकरण संस्कार करके गर्ग आचार्य तो यहाँ से विदा हुआ। उसके बाद भगवान की बाल लीलाओं में माखन चोरी की लीला भगवान ने पहले अपने घर से शुरू की, कहा पहली गो पहले अपने घर से माखन चुराना चाहिए, और माँ यशोदा की मटकी के अंदर हाथ डाला, मक्खन का लोंदा उठाया और नंद भवन के महल के पिलर में अपनी शक्ल को देख के कहा तुमने मेरे को देख लिया क्या, अरे तू भी खा ले आधा, तो वो भी कहता तू भी खा ले, तो अपने प्रतिबिंब से बात कर रहा है। यशोदा कहती है कन्हैया क्या कर रहा है, बोला मैया तू बुरी हो गई, चोर देख मक्खन लेके जा रहा है खंभे में घुस गया। अरे कन्हैया खंभे में कैसे घुस गया, बैठ मेरी गोद में देख इसमें यशोदा दिख रही है, बोला दिख रही है, कन्हैया दिख रहा है, दिख रहा है, बोला वो ये दो है, बोला नहीं, तो बोला उसको प्रतिबिंब बोलते हैं, अच्छा मैया उसको प्रतिबिंब बोलते हैं, मालूम भगवान को सब पता है
लेकिन मैया को आनंद दे रहे हैं। मैया ने हाथ में मक्खन देखा, बोला बेटा मक्खन चोरी नहीं करो, नहीं तो तेरा विवाह नहीं होगा। अरे मैया, मैया न, ये नंद किसका बाबा? अरे बेटा तुम्हारा बाबा। ये गैया किसकी? बेटा तुम्हारी गैया। अरे मैया तू किसकी? मैं तुम्हारी मैया। ये दूध दही मक्खन किसका? बेटा तुम्हारा। फिर कूद के खड़ा हो कहता, दूध मेरा, दही मेरा, गैया मेरी, मैया मेरी, बापा मेरा, फिर चोरी करके खाऊं मेरी मर्जी, वैसे खाऊं मेरी मर्जी, तुम्हारे को क्या है? इतनी बड़ी भूमिका बना के, अब आज तो चोरी में फेल हो गया, दूसरे दिन फिर चोरी करने गए अपने ही घर में, मटके में हाथ डाला, माखन हाथ में लिया, और माँ कहती है, कृष्ण क्या कर रहे हो? पिता, ए मेरे बाप क्या कर रहे हो? पिताजी क्या कर? अरे बड़ा संकट है मैया, इस वक्त डिस्टर्ब मत करो, बहुत बड़ी परेशानी। अरे क्या परेशानी है बता तो सही, पद्मराग कड़ा लाल ऐसा डाला है, हाथ जल रहा था, मैंने वेदों से सुना है माखन में डालने से हाथ ठंडा कर रहा न। यशोदा ने आके कहा, हाथ ठंडा कर रहा है, ये मुख के ऊपर माखन कैसे लगा? अरे मैया मक्खी आ गई थी, उड़ा रहा था। ब्रज के हर एक घर में कन्हैया ने माखन की चोरी की। एक श्लोक का रसास्वादन कीजिए। गोपियां आके यशोदा को शिकायत करती है, वत्सान मुंचन कौचद समय क्रोश संजात हासा। गोपियां आके कहती है, यशोदा पहली बात कहती है, ये तुम्हारा लाला हमारे घर में आता है, बिना समय बछड़ों को खोल देता है। तो यशोदा ने कहा, आपकी सेवा करता है, बछड़े खोलता है? बोला, जब गाय का दूध निकालें तब खोले तो अच्छा है, जब दूध का समय नहीं होता है तब खोल देता है। बोला, फिर तुम गुस्सा करो? बोला, गुस्सा करते हैं, हंसता है, और ये हंसता है तो हमारा गुस्सा खत्म हो जाता है। बोला, लीला कौन सी? एक गोपी बड़ी चतुर थी, वो मक्खन की मटकी अपने कुर्सी के नीचे, मूढ़े के नीचे रखे ऊपर बैठी, और कन्हैया अपने ग्वाल बालों के संग आ जाओ, हमने सुना है कि मक्खन कहीं भी रखा है तुम्हें पता लगता है, हमारे घर में मक्खन ढूंढ के खिला के दिखाओ, तुम्हें रडार लगा हुआ है मक्खन पता ढूंढने का। कन्हैया ने देखा कि मक्खन तो गोपी की कुर्सी के नीचे है। कन्हैया ने ग्वाल बालों का कहा, इसके बछड़े खोल दे। ग्वालों ने बछड़े खोल दिए और बछड़ों ने गाय का दूध पीना शुरू किया, और कन्हैया ने कहा, ए गोपी वो देख बछड़े दूध गए पी गए। हाँ, वो गोपी भागी बछड़ों को, कन्हैया ने मटका उठाया, उसी मूढ़े के ऊपर बैठ के मक्खन खाने लगा। गोपी बछड़े बांध के वापस आई, बोला, गोपी तुमने कहा माखन ढूंढ लो, ये माखन तुम्हारा, मैं खा रहा हूँ, ये हम भाइयों को भी खिला रहा हूँ। और आचार्य कहते हैं, इसका एक और भी अर्थ है, वत्स मुंचान असमय, वत्स है भक्त और मुंचन है उसको मुक्त करना, असमय का मतलब उनका समय नहीं आया है, उससे पहले भगवान उनके कर्मों का चिट्ठाई फाड़ देता है, उसको मुक्त ही कर देता है। तो भगवान बड़ा दयालु है। तो ये पहली लीला, ये गोपियां शिकायत कर रही हैं, और दूसरी गोपी कह रही है, स्तेयम स्वाद्वाती अथ दधी पयः। गोपी कहती है, जो सबसे स्वादिष्ट दही हम अपने पति और पुत्रों के लिए रखते हैं, अलग कुछ बेचने वाला अलग होता है, उसको ये बड़ी चतुराई से आके चोरी करता है और रोज नया नमूना निकालता है। तो पहले दही की चोरी की बात कर रहे हैं। कन्हैया एक गोपी के घर में घुस गया, बड़ा जमा हुआ दही है, उसको बैठ के लपालप खाने लगा। गोपी ने कहा, अरे कन्हैया क्या कर रहा है? बोला, मैया दही खा रहा हूं। अरे तेरी मैया का घर नहीं है, मेरा घर है। मैंने समझा मेरा अपना घर है, तेरा घर नहीं है, मेरे घर में दही खा रहा है, तुमको मैं तुम्हारी मैया के पास पकड़ के ले जाऊंगी। ए गोपी तू बूढ़ी हो गई है, ना तेरी बहू ना तेरी बेटी, दही में इतनी चींटियां पड़ गई है, मैं चींटी निकाल रहा हूं दही से। अरे चींटी निकाल रहा है? कहां गई चींटी? वो बिल में चली गई। तो ये तेरे हाथ में दही लगा है तो ठीक है, तू चींटी निकाल रहा है, मुख में दही कहां से आया? एक चींटी यहां से चढ़ी ऊपर जाती जाती मुख में चली गई, उसको हटा लिया। गोपी ने कृष्ण को पकड़ा दही वाले हाथ से, कहा आज मैं यशोदा को दिखाऊंगी, रंगे हाथों पकड़ के आई। बाहर गोपी लेके निकली, उस गोपी के बेटे को कहा, कन्हैया ने आ जा, वो साथ आ गया। बाहर निकली, सामने बड़ा गोप आ रहा था, कन्हैया ने कहा, गोपी लज्जा नहीं आती, ऐसे मुंह खुले जाती है, घूंघट नहीं निकालती है, देखो बड़ा आ रहा है सामने,
आए गोपी ने घूंघट निकाल लिया, फिर बोला गोबर थेप थेपे तेरा हाथ इतना कठोर हो गया, मेरे हाथ कितना कोमल है, ये एक हाथ छोड़ दूसरा पकड़। तो गोपी ने हाथ ढीला किया, कन्हैया ने उसके बेटे का हाथ उसके हाथ में दे दिया और कन्हैया जाके घर में सो गया। यशोदा कहती कन्हैया आज कहीं जाना है क्या? मैया आज मैं खेलने नहीं जाऊँगा। कोई बात नहीं बेटा सो जा। तब तक गोपी लड़के को पकड़े और ऐसे घूंघट खोल के दे, देख यशोदा मैया तेरा बेटा दही खाते हुए मुंह में लगा हुआ पकड़ के ले। यशोदा बोलती है कन्हैया तो अंदर सोया है, तू अपने छोरे को पकड़ के लाई है। गोपी देखती है अपना छोरा, एक थप्पड़ मारी अपने छोरे को, वो बेचारा रोने लगा। गोपी बाहर निकली, कृष्ण घूम के गया, पहले तो कहा ए भैया आज दोस्ती में एक थप्पड़ खा ली ना, कल जिस गोपी के घर मक्खन खाएंगे ना तुम्हारे हाथ से उद्घाटन कराऊंगा, पहले तुम खाना। बच्चे को खुश करके फिर गोपी को कहते हैं सुन गोपी आज तुम मेरी माँ के पास पकड़ के लाई, तेरे बच्चे का हाथ दे दिया ना, दोबारा कभी प्रयास किया तो तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा। ए दही की लीला के बाद दूसरी गोपी कहती है पया कल्पितस्ते है योग ही, पया दूध की चोरी करता है। एक गोपी ने बड़ी होशियारी की, ऊपर से बड़ी जंजीर के अंदर एक घंटा बांधा और घंटे के अंदर मटका बांधा और दूध का मटका ऊपर बांधा और फिर कन्हैया को जाके कहा आज ग्वाल बालों के संग बहुत कड़ा हुआ दूध हमने ऊपर टांग के रखा है, आके पाना। कन्हैया ग्वाल बालों के संग अंदर पहुंचा है, ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया गोपी बड़ी होशियार है, देखो तो ऊपर से मटका घंटे के अंदर बंधा हुआ है, मटके को हिलाओगे घंटा बजेगा गोपी आ जाएगी। कन्हैया ने कहा कहा करेगा मटका, मटके के देवता को बुलाओ। मटके का देवता आया, बोला मैं कौन हूं कन्हैया? कन्हैया ने कहा मैं कौन हूं? बोला स्वामी। अरे तुम कौन? मैं आपका सेवक। बोला आपका धर्म? आपकी आज्ञा का पालन। मत बजना जो आ गया। अब कन्हैया चार ग्वाल वालों को खड़ा किया, उसके सर के ऊपर खड़ा हो गया, कंधे के ऊपर खड़ा हुआ, और मटका ऊपर था, एक डंडा था उसके अंदर लोहे की सीख थी, उसको ऐसे मटके में दे मारा ठा, ऊपर से दूध कन्हैया के ऊपर, कन्हैया के ऊपर से सारे शरीर का अभिषेक हो रहा है और ग्वाल बाल ऐसे पी रहे हैं। घंटे ने कहा भगवान का अभिषेक मंत्र में होता है तो शंख घंटा घड़ियाल बजता है, आज साक्षात अभिषेक हो रहा है, मैं चुप करूं? हल घड़ घड़ घंटा जोर से बजा और गोपियां चारों ओर पहले से तैयार खड़ी थी, चारों ओर से आगे खड़ी हो गई, घेरा डाल दिया। अब कन्हैया नीचे उतरा, ग्वाल बाल कहते कन्हैया अब क्या करें? जो गुरु करे वो चेला करे। बोला क्या करा? बोले दूध भरो मुंह में। सबने मुंह में दूध भरा। बोले जो गोपी सामने आए ना फू सीधा दूध गोपी के मुंह। अब सब गोपियों के मुंह में दूध डाल के इसको कहते फुफकार लीला। ये चंपूकारों ने बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है और सब गोपियों के मुंह में दूध डाल के गया। लोग धूल डालते हैं कन्हैया, दूध डाल के और भाग गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर लिखा है मरकान भक्षम, मरकाम भक्षम बंदरों को खिलाता है, मरकाम भक्षम बंदरों को खिलाता है। जब बाहर की गोपियों के घर में जाता है तो बहुत से बंदरों को खिलाता है और नंद भवन में एक बंदर एक वचन में बंदर लिखा है, वहाँ हनुमान जी केवल अकेले आते हैं और बाकी घरों में जाता है बहुत से बंदर आते हैं। अरे पहले तो कभी कभी कन्हैया ग्वाल बालों को लेकर गोपियों वो बहुत अयोध्या से मेहमान आए हैं दूध दही मक्खन दे दो, अरे ले जाओ मटका कन्हैया मेहमानों को दे दो, गोपियाँ पीछे जाके देखते हैं बंदरों को खिला रहे हैं। अरे यही मेहमान है अयोध्या के? बोला यही तो हमारी सेना में चले थे, ये जीरो बजट आर्मी भगवान रामचंद्र की न वस्त्र चाहिए न अस्त्र चाहिए न भोजन चाहिए, ये वानर सेना के होकर ऊपर एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ, न कपड़े चाहिए न कोई रहने के लिए जगह चाहिए, पेड़ के ऊपर रहते हैं और चट्टान उठा के फेंकते हैं, ये जीरो बजट आर्मी और कहीं किसी की नहीं है, रामचंद्र की आर्मी थी। और भगवान ने कहा इस बंदरों को तो अभी खिलाना ही खिलाना है, बड़े प्रेम से खिलाना है। मरकान भक्षम और फिर क्या लिखते हैं विभजती भांडम, बंदर जब कहते हैं
मुंह बिगाड़ते हैं। अरे मंदिर वैसे ही मुंह बिगाड़ता है और ये मटका फोड़ता है। बोला बंदर को भी अच्छा नहीं लगता है, कैसा बेकार मक्खन है इसके घर का, तो हमारे मटके ही फोड़ के चला जाता है। बोलो माखन की चोरी, वो भी घंटी बजने की चोरी है। कई बार आपने सुना होगा, एक गोपी बड़ी होशियार थी, चारों ओर से घर में खिड़की में दरवाजे में घंटी लगा दी और कृष्ण और ग्वाल बालों के संग अंदर गया। जाने के लिए देखा तो चारों ओर घंटियां लगी हुई है। घंटियों को तो भगवान ने फिर आदेश दे दिया कोई घंटी न बजे। अंदर जाके मक्खन उतारा, मक्खन उतार के ग्वाल बालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया। जब बंदर मुंह बिगाड़ने लगे, कन्हैया ने मटका फोड़ा, बोला कई गोपी का परसों का मक्खन है, कैसा है चख के देखूं। जैसे उंगली मुंह में डाली, सारे घंटे जोर जोर से बजे। अरे तुमको कहा था नहीं बजना। बोला भगवान को भोग लगे तो घंटा बजे, आपको भोग लग रहा है। तब तक जो गोपी आ गई, गोपी आ गई तो बाकी सब खिड़की से भागे। ये मधुमंगल बेचारा जो एक ब्राह्मण है, थोड़ा मोटा और पांव से थोड़ा है धीमे चलना, वो खिड़की में अटक गया। गोपियों ने मधुमंगल को पकड़ लिया और पकड़ के उसकी चोटी में रस्सी बांधती, पेड़ की खिड़की वो डाली के ऊपर रस्सी, रस्सी दूसरी तरफ डाल दी और सब गोपियां खींचती हैं उसकी चोटी ऊपर खींची। कन्हैया, तब तक कन्हैया दौड़ता हुआ आया, गोपियों को कहा ये ब्राह्मण है कोई ग्वाल बाल है क्या, इसकी चोटी में रस्सी बांधी है, तुम सबको बूढ़े काणे पति मिलेंगे। अब गोपियां डर गई कि ये तो ब्राह्मण का अपमान हो गया। बोला इसको खुश कैसे करें, जाओ घर से थाल भर के लड्डू लाओ, इसको प्रेम से खिलाओ, तब ये संतुष्ट होगा। और अब गोपियां कहती हैं, एक और गोपी कहती है, द्रव्यलाभे सग्रह कुपितो याते उपक्रोशतो कान। अगर घर में कुछ भी नहीं मिलता है ना, जो जाते समय सोए हुए बच्चों को चुंटी लगा के और जगा के चला जाता है। बोला कौन सी लीला। एक गोपी ने कहा कन्हैया को, कन्हैया मेरा बच्चा रो रहा है, इसको थोड़ा चुप कराओगे। कन्हैया बोला हाँ चुप क्यों नहीं कराऊँ, क्या देगी। बोला मक्खन दूंगे। हाँ तो कन्हैया ने कहा सो जा भैया, कल चलेंगे गैया चराने, तू बड़ा हो जाएगा, हमारा साथी बनेगा। बच्चा सो गया। अरे गोपी मक्खन दे दे। अरे कन्हैया आज माखन निकला ही नहीं है, तो दही तो दे दे, दही खट्टा है। अरे छाछ है गोपी। अरे छाछ में मक्खी पड़ गई। तेरे बाप का नौकर हूं, तेरे बच्चे को सुलाया कुछ नहीं देती है, फिर बच्चे को चूंटी मारता है कि देख ये, फिर जगा के जाता हूं और बच्चे को जगा के, और कन्हैया भाग गया। और आगे वाले श्लोक में लिखा है कि घर में कुछ नहीं मिलता है, ये गोपी घर को लीप पोच के अच्छी तरह से कन्हैया को कहा हमारे घर में गया आओ। कन्हैया ग्वाल बालों के साथ उनके घर में गया, कोई मटके में कुछ नहीं, सारे मटके उल्टे पड़े, सब कहते हैं ग्वाल बाल ये कैसी तुम्हारी गोपी है जिसके घर में कुछ भी नहीं है, अब यहाँ क्या करें। कृष्ण कहते नई लीला यहाँ करनी है। बोला क्या करना है। बोला जो जिसको शंका है वो सारी शंका इसके घर के अंदर छोड़ के चलो, जहाँ पोचा लगा हुआ है, जहाँ लेपा किया हुआ है, यहाँ सारे जो बच्चों को करना था वो करके वहाँ से चले गए। और वैसे भी जब भगवान या भगवान के भक्त कहीं ऐसे शंका त्याग के जाते हैं, वो असल में ये संसार का धन उस मल के बराबर है, उसके घर में धन बहुत हो जाता है। तो वो गोपी फिर सुखी हो गई। ऐसे भगवान की बाल लीलाएं हो रही है, और इतनी सारी शिकायतों के बाद भी जब कभी भी यशोदा ने कन्हैया को डांटा नहीं, तब कन्हैया ने कहा माँ डांटेगी नहीं तो वात्सल्य प्रेम का मजा नहीं आएगा। आज कन्हैया ग्वाल बालों के संग जमुना के किनारे गया और कहा कि घर चलो, कन्हैया भूख लगी है कुछ खाएं। कन्हैया बोला नहीं खाना है, मट्टी खा लूंगा। अरे मट्टी खाएगा। उठा के कन्हैया ने मट्टी मुंह में डाली, ग्वाल बाल भागे और भागे और यशोदा को कहा कन्हैया मट्टी खा रहा है। मैया ने कहा दूध पिए मक्खन खाए किसी के घर का भी खाए लेकिन कोई खराबी नहीं, मट्टी खाएगा तो बीमार हो जाएगा। मैया ने लाठी उठाई है, मैया जमुना के किनारे गई, हाथ पकड़ लिया और कहा कन्हैया तुमने माटी खाई, आपने माटी खाई ना। अरे ये सब ग्वाल बाल कह रहे। अरे मैया आज झगड़ा करके गए। बोला तेरा भाई अग्रज बलराम कह रहा है। मैया तू बलराम को बहुत अच्छा समझती है, ये बाहर का देखने का अच्छा है, अंदर का बहुत काला है। भैया बलराम अंदर का काला है कि कृष्ण झूठ बोल रहे हैं। अरे अंदर कृष्ण का ही चिंतन करता है, अंदर तो उसका काला ही है, कृष्ण ठीक कह रहे हैं। बोला ये मुझे बहुत चिढ़ाता है, कहता है तू काला कहां से आया, तुमको मोल का लाए है। मैया इसकी बात मत मानो, तू मेरी मैया है ना।
अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आता है तो मेरा मुंह खुलवा के देख लो, मैंने माखन नहीं खा, मैंने माटी नहीं खाई तो क्या भगवान सत्य संकल्प वाले झूठ बोलेंगे क्या? नहीं, जो यहां शब्द है उसका अर्थ है माटी क्या, मैंने ब्रह्मांड खाया। उस शब्द का संस्कृत में दूसरा अर्थ है मैंने ब्रह्मांड खाया। और मैया ने कहा मुंह खोलो, और कन्हैया ने मुंह खोला, और कन्हैया के मुंह में मैया ने यही ब्रह्मांड देखा। इस ब्रह्मांड के अंदर गोकुल देखा, गोकुल में नंद भवन देखा, नंद भवन में जमुना उसके सामने देखी, और वहां यशोदा देखी और कन्हैया को देखा। अब एक तो मुख के अंदर कन्हैया यशोदा, एक स्वयं बाहर बैठी है, माँ का माथा घुमा, माँ ने भगवान का शरण लिया, और माँ कहती है भगवान अचिंत्य मैं आपके शरण में हूँ, ये मैं क्या देख रही हूँ, मैं मुझे भगवान ने देखा कि मैया को इतना ज्ञान हो गया कि मैं भगवान हूँ, और मेरे को किसी घर के अंदर छोटे से किसी जगह में बिठा के और आरती उतारना शुरू कर दी तो ग्वाल बालों के साथ खेलूंगा कैसे। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को ऐसे घुमाया, मैया कृष्ण को उठाया और मुंह बंद करके अपना स्तन पान कराने लगी। ये देख के परीक्षित महाराज कहते हैं इस नंद का और यशोदा का क्या सौभाग्य है, कौन से पुण्य इन्होंने किए थे कि साक्षात भगवान इसकी गोद में बैठ के इनका दूध पी रहे हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं द्रोण और धरा नाम के वसु थे, ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी प्रार्थना करके और उसका आशीर्वाद लिया, वो नंद और यशोदा के रूप में ये आनंद का बाल लीलाओं का सुख ले रहे हैं। ये कह तो दिया सुखदेव ने, लेकिन सुखदेव गोस्वामी संतुष्ट नहीं थे कि तब उनके मुख से धारावाहिक दामोदर लीला निकलने शुरू हो गई। क्यों दामोदर लीला बताई? इसलिए बताई, दामोदर लीला के उपसंहार में लिखा है जो सुख ब्रह्मा को नहीं, शंकर को नहीं, लक्ष्मी को नहीं, वो सुख इस गोपी को मिला है। तो जो सुख स्वयं ब्रह्मा को नहीं है वो ब्रह्मा के आशीर्वाद से कैसे किसी को मिल सकता है? इसका अर्थ ये है, नंद और यशोदा नित्य भगवान के माता पिता है, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से द्रोण और धरा उनके अंदर प्रवेश होके बाल लीलाओं का थोड़ा रसास्वादन कर रहे थे। वो वसु थे, वो वसु वापस, लेकिन ये नित्य थे, ये डबल डबल रोल में थे। अब कथा कहाँ शुरू हो रही है? कथा शुरू हो रही है भगवान के दामोदर लीला की। दाम का मतलब रस्सी, उधर का मतलब पेट। यशोदा ने कृष्ण को रस्सी से बांध दिया उखल के साथ। इस लीला को शुरू करते हुए सुखदेव महाराज कहते हैं एक समय की बात है, कौन से दिन की बात है? दिवाली के दिन की बात है। दिवाली के दूसरे दिन इंद्र की पूजा होनी थी, सब अपने अपने काम में लगा के यशोदा ने कहा कि रोज शिकायत करते हैं कि हमारे घर का माखन खाता है, दूध दही खाता है। यशोदा ने एक दिन गोपियों को कहा कितना खाएगा, छोटा बच्चा 3 साल का है, दे दिया करो ना माखन। तो एक गोपी कहते कन्हैया माखन खाएगा? बोला क्यों, भीख मंगाऊं तेरे घर का खाऊं, मेरे घर में बाप के गाय नहीं है। बोला फिर चोरी क्यों करके खाता है? बोला मेहनत करके खाता हूं, हाँ परिश्रम करके खाता हूं, मुफ्त का तो नहीं खाऊंगा। तो कन्हैया यशोदा ने कहा मैं अपने हाथ से आज मक्खन निकालूंगी। पदम गंधा गाय, जिसको 100 गायों का दूध पिला के 8 गायों को, 8 का 1 गाय को, उस गाय के रात को दूध को अच्छी तरह से मैया ने गर्म किया, उसके अंदर जामुन डाला और उसको जमा के रखा, और सुबह सवेले नंद गहनी, नंद के घर में आनंद करने वाली एकदा, लिखा है एकदा। एकदा का अर्थ क्या? एक समय की बात है, लेकिन एकदा का दूसरा अर्थ यह कि एक को देने वाली। वो एक भगवान है, उसके बराबर और कोई नहीं है, और ये यशोदा के गोद में बैठा है। कोई भी कहेगा मैया मेरे को ले ले लाला दे दो तो दे सकती है, जो एक को देने में समर्थ है ऐसी एकदा यशोदा। एक समय की बात है, बाकी काम बाकी सब सेवकाओं के और काम में लगा दिया और स्वयं दधि मंथन करने लगी। स्वयं सवेले दही धनी और दधि मंथन करते समय 3 काम कर रही है, शरीर से मंथन कर रही है, मन से कृष्ण का चिंतन कर रही है, वाणी से कृष्ण की लीला गा रही है। कृष्ण के पहले जो लीलाएं हुई हैं उनको गाथा बनाइए गा रही है, और मैया मंथन कर रही है 3 बार, मंथे मंथन काले, मंथन का मतलब है साधन, और साधन शरीर से होता है, मन से होता है, वाणी से होता है। और ये माया तो, ये माता तो सिद्ध है, ये तो राग आत्मिक भक्त है। प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में लिखा है कि जो राग अनोगा भक्त होना चाहें और वात्सल्य प्रेम का
आनंद लेना चाहें तो यशोदा के पास खड़े होकर इसका रूप देख ले। यशोदा कैसी है लिखा है, वो रेशम जो अलसी के पुष्पों से बनता है, नीले पुष्प कृष्ण के रंग के हैं लेकिन उसका रेशम पीला है, और सेफ्रान कलर की साड़ी पहनी है मैया ने, फालों में बालों में मालती के फूल लगाए हैं, मालती के फूल बालों में लगाए हैं मैया ने, कमर के ऊपर कस के पट्टा बांध दिया है, कमर कस के हाथों में बड़े सुंदर कंगन डाले हैं, कानों में कुंडल डाले हैं, और मैया मंथन कर रही है तो परिश्रम हो रहा है, बालों से पसीना बह रहा है, स्तन से दूध चूके बाहर आ रहा है, क्योंकि दूध ये कह रहा है आज मैया मक्खन खिलाएगी तो हमको कन्हैया नहीं पिएगा, तो दूध बाहर आके मैया को दिखा रहा है, कन्हैया सोया हुआ है और मैया ऐसे मंथन कर रही है और कृष्ण का गुणगान कर रही है। भगवान ने कहा है कि कोई मेरा कीर्तन करता है तो मैं आ जाता हूँ, कृष्ण कहता है कि मैया ही कीर्तन कर रही है और मैं सोया रहूँ तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो कृष्ण पलंग के ऊपर उठे, मैया मैया किया, मैया पास में नहीं थी तो आंखें मछली, पलंग से नीचे उतरे तो आवाज़ आ रहा था ब्रम ब्रम, और फिर चूड़ी का छन छन, फिर गोपाल जय जय, अरे कीर्तन हो रहा है मैया का, मृदंग बजा ओ जो बज रहा है दही का मंथन, कन्हैया प्रेम के ऊपर चढ़ के बोला, प्रेम आवन, प्रेम के कारण कन्हैया मैया के सामने आया, और जैसे मैया के सामने कन्हैया आया मैया आंखें बंद करके गा रही है, कन्हैया बोला गा मेरा नाम ले रही है, मक्खन मेरे के लिए निकाल लिया, मुझे देख नहीं रही है, क्या करना चाहिए, ऐसे सोच के मंथनी को पकड़ लिया, काम रुक गया, मैया ने काम बंद कर दिया और मुस्कराया, मैया मुस्कराई, मैया और कन्हैया अपने आप गोद में चढ़ गया, मैया ने ऊपर उठाया नहीं, कन्हैया ऊपर चढ़ गया, मैया ने कपड़ा रख दिया दही मंथन के ऊपर। सर्दी का महीना है, कार्तिक का महीना है, दिवाली का दिन है, अब सुबह का 4:30 का समय है और मक्खन निकला नहीं है, मैया ने देखा स्तन पान करने के लिए कन्हैया आ गया है तो काम को रोक दो, मैया ने बड़ा अच्छा संकेत दिया है, बच्चा मांगे खाने के लिए तो 100 काम बंद करके बच्चे को खिलाना चाहिए, मैया ने वो दूध बंद कर दिया और बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया। आजकल मैया को बच्चा कहता है भूख लगी है, मैया कहती है फ्रिज खोल के बेटा निकाल के खा लो, बच्चा फ्रिज को खोलता है अंदर से ठंडी हवा आती है, कहता है मैया ठंडी हो गई, मैया गरम गरम कुछ नहीं खिलाती है, सब ठंडा खिला रही है, लेकिन यहाँ मैया ने काम बंद कर दिया, कन्हैया दूध पी रहा है, मैया दूध दे रही है, अपने आप आ रहा है दूध, और कृष्ण मैया को मुस्कुरा के मैया के मुख में देख रहे हैं। जब बच्चा दूध पीता है तब मैया के मुख को देख के उसको पहचान लेता है, हजार माताओं में बच्चा अपने माँ को पहचानता है और माँ भी हजार बच्चों में अपने बच्चे के रोने को पहचान लेती है, ये संबंध माँ और बच्चे में दूध पिलाते समय स्थापित होता है, इसलिए बच्चों को 3 साल से बड़ा है कन्हैया और यशोदा दूध पिला रही है। 5 साल तक जो माता बच्चे को दूध पिलाती थी उसको पद्मा, उसको कहते थे पद्मा, क्या ये ये माता पद्मा, पद्मनी, तो बच्चे को दूध माता जब पिलाती है तो बच्चे का माता के साथ संबंध स्थापित होता है। आजकल माताओं ने बच्चों को दूध पिलाना बहुत कम कर दिया है और हमारी सुंदरता खराब हो जाएगी इसलिए दूध नहीं पिलाती है। बच्चे को माताएं आजकल दूध कैसे पिलाती है जरा बताना, तो कैसे पिलाती हैं, हाँ बोतल से। अब बच्चा जब बोतल को ऐसे पकड़ेगा और दूध पिएगा तो हंसेगा, देखेगा अरे मेरी मैया तू ही मेरा प्राण रक्षण करने वाली है, ऐसा उस बोतल से प्रेम हो जाएगा, 9-10 साल का होगा 25 रुपया लेके और कोको कोला की बोतल लाएगा, अरे क्यों पी रहा है मेरी मैया है, इससे मुझे प्रेम हो गया, और 25 साल तक तो जाके बियर और जानी वाकर लेके पिएगा, अरे क्या कर रहा है मेरी मैया है, बोतल मैंने बचपन में देखी थी, और ये 2 काम अगर किया, ये 2 बोतलें पी तो फिर 40 साल से पहले अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल, और ये बोतल ऊपर होती है, वो कहते हैं हाँ मैया तू ऊपर तो मैं भी ऊपर है तो इसलिए बोतल से दूध नहीं पिलाओ, अपना स्तन का दूध पिलाओ।
मैया प्रेम से दूध पिला रही है। बच्चे और मैया में बड़ा आनंद हो रहा है। दूध अंगेठी के ऊपर दूसरा चढ़ा है रबड़ी बनाने के लिए, वो प्राकृत दूध नहीं है। उस दूध ने देखा कि मैया का दूध खत्म नहीं होगा, कृष्ण का भूख खत्म नहीं होगा, आज मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ आग पे, अच्छा है आत्महत्या कर लेता हूँ। वो दूध उफन के आग में लगा, मैया की दृष्टि कृष्ण से हटी और दूध की तरफ गई। मैया ने कृष्ण को नीचे रखा, 3 साल के कृष्ण को मैया ने नीचे उतारा, पूतना 6 दिन के को उतार नहीं पाई। मैया ने नीचे रख दिया, मैया भागी, दूध ने मुंह लटका लिया कि माँ और बेटे के बीच में प्रेम को मैंने बाधा डाल ली। प्रेम में दूध का मुंह लटक गया, दूधा नीचे चला गया। माँ ने लकड़ी बाहर निकाली, पानी का छंटा दिया, दूध लज्जित होकर नीचे बैठ गया। कन्हैया ने कहा, मैं दूध सागर को छोड़ के इसका बेटा बना, ये 2 किलो दूध के लिए मुझे नीचे पटक के चली गई। ये प्रेम, कन्हैया कहते मैं दिखाता हूँ कि ये मटका जो है ना, ये भांडासुर, ये सुबह से मेरी माँ को मुझसे जुदा इसने किया है, और इतना परिश्रम, मेरी माँ पसीना पसीना हो गई। मैं माँ को सुख देने के लिए आया हूँ कि परिश्रम कराने के लिए आया हूँ? मैं इसको आज भांडासुर को ही तोड़ दूंगा, भांडा को, मटके को ही फोड़ दूंगा। और मसाला पीसने का पत्थर उठाया, अपने हाथ के कंगन को पकड़ा और नीचे जहाँ भरा हुआ मटका था वहाँ ढा से मारा और सोराख हुआ और सारा मही बाहर निकल आया। कन्हैया ऊपर नाचने लगा, आज मैया को पता लगेगा उसकी सास के जमाने का पुराना मटका तोड़ दिया मैंने। ये मिट्टी के मटके होते हैं ना, जितने पुराने होते हैं, दही पी दूध वो घी पी पी कर चमकने चमकने लगते हैं। नया मटका लाओगे फिर दूध दही पीना शुरू करेगा। इसलिए पुराने मटके को बहुत लोग पसंद करते थे कि पुराना मिट्टी का मटका हो, उसी के अंदर ही काम करना है। एक नेता था आजकल का, प्रवचन कर रहा था, देखो पहले आपने मेरे को चुना था, मैं मानता हूँ बेईमानी की, चोरी की, घर बनाया, बंगला बनाया, बच्चे को अमेरिका भेजा, अब दोबारा आपसे वोट लेने आया हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, अब कोई चोरी नहीं करूँगा, दूसरा मत चुना, वो यही करेगा जो पहले मैंने किया है। तो ये मटके पहले से खा पी के बैठे हुए हैं। कन्हैया को डर लगा कि मैया मटका फूटा है मारेगी, इसलिए कन्हैया भागा, और दिखाना क्या है कि मैं भूखा था, तो पास वाले कमरे में चला गया जिसमें मक्खन टंगा हुआ था, उस मक्खन को उतार के खाने लगा। यशोदा मैया वापस आई तो हंसी, अरे बड़ा चालाक है, बड़ा शरारती हो गया है, मटका फोड़ दिया। और फिर मैया को भय लगा कि कहीं भाग न जाए, डर के मारे जंगल में अभी तक नाश्ता नहीं किया है, देर हो जाएगी। तो मैया ढूंढने लगी तो पाँव के निशान दिखाई दिए। सनातन गोस्वामी के पास कहते हैं कि 3 साल कृष्ण हो गया तो कृष्ण के चरणों के निशान के, वो जव का निशान सीधे पाँव के अंगूठे के नीचे नज़र आ रहा था, नीचे अंकुश नज़र आ रहा था, अंकुश के नीचे वज्र नज़र आ रहा था, वज्र के नीचे ध्वजा, ध्वजा के नीचे कमल नज़र आ रहा था। ऐसे भगवान के चरणों के बड़े चिन्ह को देखा, बोला यहाँ से गया है। और कौए को उड़ते हुए देखा मैया ने, बोला ये यहीं खड़ा होगा। मैया ने लाठी उठाई और मैया दबे पाँव देख रही है तो कन्हैया क्या कर रहा है, उखल के ऊपर बैठा है और माखन का मटका हाथ में लिया है और माखन बंदरों को भी खिला रहा है, खुद भी खा रहा है। मैया ने कहा दबे पाँव जाऊँ कहीं मेरे को देख न ले, और कन्हैया तो उसी का बेटा है, आँख से देख लिया और एकदम उखल से कूद के भागा, आगे कन्हैया और पीछे मैया। कन्हैया बाहर निकल गया और मैया बाहर चली गई, सुबह का समय था कोई था नहीं, और घर से बाहर चली गई और मैया ने पीछे से जाके जब, और मैया के बालों के अंदर जो सुंदर मालती के फूल थे वो गिरने लगे। बोला ये वेद की ऋचाओं हैं, मालती के फूल कहते हैं, तुम्हारे माथे के ऊपर रुकने के हम लायक नहीं हैं, जो भगवान के पीछे भागे उनके तो हम चरण चिन्हों के पीछे चलते हैं, वो बेचारे नीचे गिरने लगे। और सुखदेव महाराज कहते हैं, योगी जिसको ध्यान में थोड़ी देर के लिए ध्यान में नहीं बिठा सकते हैं, ये गोपी साक्षात उसको पकड़ने के लिए जा रही है, और गोपी ने पीछे से पकड़ लिया। सुखदेव तो कृष्ण के पक्ष में थे, कहा ये गोपी का नितंब बहुत भारी है, स्तन भारी है, छाती कैसे पकड़ेगी बच्चे को, लेकिन गोपी ने पकड़ लिया और पकड़ के कन्हैया को कहा तुमने मटका फोड़ा। कन्हैया बोलता है पाँव की चांदी की कड़ी लगी हो गई, जल्दी में टूटा होगा, मुझे क्या पता, इतनी बड़ी चांदी की मोटी कड़ी पाँव में पड़ी है मैया। बंदरों को माखन कौन खिला रहा था, जिसने बंदर बनाए, तू बंदर है। बोला फिर मेरे को पकड़ा क्यों, छोड़ो जंगल में जाने दो, आज तेरे को मैं दंडित करूंगी। गुराने लगी यशोदा,
कन्हैया कहे पहले ये लाठी फेंक मैया, लाठी फेंक, लाठी फेंक, बाद में बात कर। और दोनों आंखों से आंसू को, एक हाथ तो मैया ने पकड़ लिया, एक हाथ से आंसू को ऐसे बाहर निकाल रहा है, मुंह सारा आंसू से काला काला काजल बह के नीचे आया है और कहता है लाठी फेंक। मैया अर्भक वत्सला, अरे बच्चा तो बाद में हुआ, पहले पड़ोसियों के बच्चों को भी प्रेम करती थी, वो कृष्ण को मारना नहीं चाहती थी, गुराना चाहती थी, थोड़ा सा भय दिलाना चाह रही थी। तो माता ने छड़ी को फेंक दिया और कहा कन्हैया आज तेरे को खेलने नहीं जाने दूंगी, आज तेरे को बांध दूंगी, तू इस खल का साथी है ना, उस खल के साथ ही बांधूंगी, ये खल है और तुमने खल का संग किया है, आज इसके साथ तेरे को बांधूंगी। मैया ने अपने चोटी से रेशमी धागा निकाला, उखल में बांधा, कन्हैया की कमर में बांधा, धागा छोटा हो गया, दूसरा धागा उसमें जोड़ा। तब तक गोपियां चारों ओर से खड़ी हो गई, अरे एक और ले आओ, एक धागा, एक रस्सी आई, दो रस्सी, रस्सी के साथ रस्सी जोड़ी जा रही है, रस्सी छोटी नहीं हो रही है, कमर कन्हैया की कमर मोटी नहीं हो रही है, काला धागा नज़र के लिए लगाया था वो बंधा हुआ है। मैया को आश्चर्य लगा और गोपियां हंसती हुई कहते हैं अरे गो यशोदा, इसके इसके भाग्य में बंधन नहीं लिखे हैं, छोड़ दे, खुश हो जाओ। यशोदा कहते तेरे घर का मटका फोड़ता है तब शिकायत करती है, मेरे घर का फोड़ता है कहती है चुप हो जाओ, क्यों छोड़ दूं, मेरा बेटा है, आज बांधूंगी भले शाम हो जाए। कन्हैया ने पहली बार अपनी माँ की ओर देखा, माँ के परिश्रम को देखा, माँ को पसीना देखा, श्रृंगार समाप्त हो गया, माँ का श्रृंगार, फूल गिर गए, बाल बिखर गए, भगवान के हृदय में करुणा आ गई, कृपा का उदय हो गया। अभी तक भगवान की संकल्प शक्ति भगवान को बंधन में नहीं आने दे रही थी। अरे जो भगवान ये विश्व रूप के रूप में जिसके चारों ओर से रस्सी कहां से घुमाओगे, लेकिन यहां भगवान किससे बंधा, कृपा से बंधा। इसलिए कहते हैं दो उंगल छोटी रस्सी इसलिए थी, एक उंगल भक्त का साधन, परिश्रम हो, पसीना हो, श्रृंगार भूल जाए, समय का परवाह नहीं है, लेकिन भगवान को पाना है। और जब भगवान ऐसे भक्त के परिश्रम को देखते हैं तो फिर उनके हृदय में जब करुणा का उदय होता है, कृपा का उदय होता है, तब भगवान प्रेम से बंधन में आ गए और यशोदा ने कन्हैया को बांध दिया और गा के ये तो माखन का इतना भूखा है, मैं जाके दूसरा माखन निकाल के इसको खिलाऊंगी, खोल देंगी, चुप हो जाएगा। मैया ऐसे करके अंदर चली गई, ग्वाल बाल आए, बलराम जी आए, उस वक्त बलराम जी और रोहिणी उपनंद के घर में गए हुए थे, लौट के आए सुबह, अरे कन्हैया तेरे को किसने बांधा। बलराम जी को तो शेष आ गया, अनंत का भाव आ गया, बोला यही तो नरसिंह था, हिरण्याकश का पेट फाड़ दिया था, यही तो रामचंद्र है, किसने इसको बांधा है। यशोदा अंदर से कहता है ये राम ये नरसिंह सब मेरे घर में आने थे, और कोई घर नहीं मिला, तू शेष और ये महेश ये सब इधर ही हैं, तू चुप करता है कि तेरे को भी दूसरे ओर में बांध दूं। बलराम जी का तो बेचारे का शेष का भाव चला गया, कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं मित्रों, आज एक काम करो, आज इधर ही खेलते हैं, ये मेरा उखल जो पीछे मैया ने बांधा है ना, इसको थोड़ा टेढ़ा कर दो, मैं आगे चलूंगा, पीछे उखल चलेगा और तुम नाचते चलो, ये नया संकीर्तन करते हैं। अब उखल को बांधते हुए कन्हैया आगे चले और दो पेड़ थे कन्हैया जो नंद भवन में दो पेड़ थे उनके बीच के अंदर से कन्हैया गुजर गया। कन्हैया ने देखा मेरा एक मित्र तो अर्जुन अभी है, अभी ग्वाल सखा है, भविष्य में एक और अर्जुन मेरा मित्र बनेगा जिसको गीता दूंगा, और ये अर्जुन वृक्ष मेरे मित्रों के नाम के अभी तक वृक्ष जुन्य में पड़े हैं, इनका उद्धार करना चाहिए। भगवान वृक्षों के बीच से निकल गए, उखल बीच में अटक गया। अरे खल भी भगवान के पीछे चले तो किसी के उद्धार का कारण बन जाता है, वो उखल पीछे चलता हुआ अटक गया, भगवान के चरण के स्पर्श से दोनों पेड़ धराम से नीचे गिरे और बहुत बड़ा आवाज हुआ, ये आवाज में सालनसर लगा दिया। और तब तक सुखदेव महाराज कहते हैं गोपी, पहले यशोदा एक बार कहा फिर गोपी 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 कहा, गोपी क्यों कहते हैं, गोपी इसलिए कहते हैं कि कृष्ण को गोपनीय रखती हैं, कृष्ण काहे के लिए मथुरा से चला गया था गोकुल में, छुप के रहने के लिए ना, तो गोपियों ने ऐसा कृष्ण को प्रेम में छुपा के रखा कि कहीं छाछ के लिए नाचता है और कहीं कोई गोपी बांध देती है तो कंस कहता है कि मुझे मेरा क्या बिगाड़ेगा, जो गोपियां ही जिसको गोपियों ने छुपा गुप्त करके रखा कृष्ण को, इसलिए उसको कहते हैं गोपी। गोपी को जो सुख मिला वो ब्रह्मा को नहीं मिला, जो भगवान के
नाभि से उत्पन्न होता है। शंकर को नहीं मिला जो भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं, लक्ष्मी को नहीं मिला जो छाती के ऊपर बैठती है, वो इस गोपी को सुख मिला। क्या ब्रह्मा जी कृष्ण को बांध सकता है? क्या लक्ष्मी कहेगी कि तुम्हारे को मैं बांध दूंगा, खड़े हो जाओ? नहीं। और फिर सुखदेव महाराज कहते हैं, ये आत्म देह अभिमानियों को, ज्ञानियों को, ये योगियों को गोपी का सुत मिलना मुश्किल है। ये गोपी का सुत केवल भक्तों को मिल सकता है, ये गोपी का सुत और किसी साधन से नहीं मिलता है। और उसके बाद परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि ये दो पेड़ कौन थे? तब सुखदेव महाराज कहते हैं, कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव, शंकर के अनुचर, धनी के पुत्र और अलकनंदा गंगा, जिसमें लोग पाप धोने जाते हैं, उसके अंदर शराब पी के नंगे स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहे थे। और नारद जी वहाँ से जब गुजरे तो स्त्रियों ने तो कपड़े पहन लिया, लेकिन ये नंगे खड़े थे। नारद जी ने सोचा कि मैं कहीं शराब तो नहीं दे रहा हूँ, तो उन्होंने गीत गाया, वह नहीं अनुग्रह कर रहा हूँ इनके ऊपर, यहाँ नारद का गीत है। नारद कहते, चार प्रकार का नशा बहुत भारी है, उच्च कुल में जन्म का नशा हो, सुंदर रूप का नशा हो, उच्च विद्या का नशा हो या धन का नशा हो, इन चारों में धन का मद बहुत बड़ा अंधा है और इनको धन का मद हो गया है। और इसका इलाज क्या है? दरिद्रा, कांटा लगता है तो सुई से निकलता है, इनको दरिद्र होना चाहिए। धन के मद के अंध वाले के पास साधु संत नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके घर के बाहर कुत्ता बंधा हुआ होता है, लेकिन गरीब बेचारे के पास साधु संत जाते हैं, इसलिए लिए गरीबों का उद्धार जल्दी हो सकता है। और फिर नारद जी ने शराब दे दिया कि पेड़ बन जाओ। दोनों को देव ऋषि था, देवता के पुत्र थे, दोनों ने प्रणाम किया, हमारे ऊपर क्षमा करो। बोला, नंद के भवन में पर्जन्य महाराज के समय से थे और इच्छाएं पूरी करते थे, लोग इनकी पूजा करते थे, भगवान ने कहा ब्रजवासियों की इच्छाएं भी पूरी की है, इन्होंने बहुत समय से यहाँ रहे हैं। तो उन दोनों का भगवान ने उद्धार किया, और जब उद्धार किया तो दोनों ये बाहर निकल के भगवान की प्रार्थना की, भगवान को कहा आपको खोल दें। भगवान ने कहा मूर्खो, तुम्हारे को बंधे हुए को मैंने बंधे हुए तुमको खोला है, तुम क्या खोलोगे? जल्दी करो, यहाँ से जाओ। अरे मेरा पिता आने वाला है, आपको देखेगा तो डर जाएगा कि आप कहाँ से निकल के आ गए, आपने मुझे बांधा है। इसलिए वो बेचारे वहाँ से चले गए, लेकिन भगवान ने इनको अपनी भक्ति दे दी, और इनको ऐसी भक्ति दी कि एक मधुकंठ और एक स्निग्ध कंठ होकर, और सारा चंपू जीव गोस्वामी का ये दोनों गाते हैं, दोनों भाई कथा करते हैं। तो आज नंद बाबा ने आके देखा, आवाज़ सुना, कन्हैये को बंधा हुआ देखा, नंद बाबा ने मुस्कुरा कर कन्हैये को उठाया और गांठ खोल दी। वात्सल्य रस की बंधी हुई गांठ से सखा रस से खोली नहीं जा सकती है, इसलिए सखा खोल नहीं पाए। और यशोदा ने, अब नंद बाबा ने उसको दूध पिलाया, मिश्री खिलाई, और कन्हैया गौशाला में सो गया। रोहिणी बुलाने आई, नहीं गया, बोला यशोदा याद कर रही है। नंद बाबा ने देखा कि इसके हृदय में यशोदा के प्रेम को जागृत करना चाहिए। नंद बाबा ने कंध उठा के कहा, तुम्हारे को यशोदा ने बांधा था? तो यशोदा को दंडित, और इतना सुनते ही कन्हैया कूद के सीधा यशोदा की गोद में गया। मैया ने पकड़ के यशोदा को गले लगाया, यशोदा रोने लगी। कन्हैया कहता है, सुबह मेरे को रुलाती है, शाम को स्वयं रोती है। और फिर पूरा परिवार बैठ के प्रसाद खाया, और यहाँ अब सब गोप इकट्ठे हो गए, बड़ी मीटिंग लगाई, कहा कि यहाँ देखो पूतना आई, सकटासुर आया, तृणावर्त आया, अब ये दो वृक्ष पड़े हमारे लाला के ऊपर, यहाँ संकट आ रहे हैं, कृष्ण का प्रेम इतना है। सारू ने कहा कि ये हम गोकुल को छोड़ देंगे, ये खेत खलियान छोड़ देंगे, ये घर छोड़ देंगे, बस अपनी गैया और बैलगाड़ियाँ लेके और यहाँ से जाते हैं। इसको कहते हैं कृष्ण, एक कृष्ण के प्रेम के कारण सब गोकुल को छोड़ने का निर्णय किया। ये मीटिंग हो रही थी, तब एक ग्वालन फल सर के ऊपर उठा के कहती है, फल ले लो। भगवान कहता है, फल मैं देने वाला हूँ, ये दूसरा कौन आ गया फल देने वाला? भाई फल दाता तो भगवान है। और फिर कहती है, केला ले लो, गोपाल ले लो, गोविंद ले लो। भगवान का नाम इतना उसके मुख में था कि फल का नाम ही भूल गई। और ये ग्वालन नंद भवन के बाहर आई, कन्हैया अंदर बाहर बाहर आया, तीन चार महीने का कन्हैया। कहा, मैया फल दे दे। बोला, कुछ अनाज लेकर आ। कन्हैया मुड़ा, बोला वापस आएगा ना? बोला, हाँ मैया आता हूँ, जाना मत। अंदर गया, कुछ चावल लिया और आया, कुछ उंगलियों से गिर गए। कहा, मैया ये लो फल दो। मैया ने कहा, ऐसे नहीं, पहले मेरे गोद में बैठ, मुझे कहो मैया। अच्छा,
इधर देखा उधर देखा कोई देख नहीं है, कूद के गोद में गया मैया ऐसे करके, फिर कूद के नीचे उतरा बोला फल दो। निषाद राज गुहा गुहा की माँ जब रामचंद्र वनवास जा रहे थे लक्ष्मण के साथ सीता के साथ, तो परिचय करा रहा था कि ये मेरी माता है, तो माता के मन में आया कि इसको गोद में बिठाती, ये कितना प्यारा है राम, लेकिन अभी तो 27 साल का है। मैं उसके मन में कृष्ण को गोद में बिठाने का भाव था, वो आज ग्वालिन बन के आई है और कृष्ण को गोद में बिठाया, और वो टोकर अभी बैठी हुई है और गोपियों ने देखा इतना सारा फल किसने दिया कन्हैया, बोला मैया वो मालन ने दिया, फल सबको बांट दिया। गोपियां बाहर जाती हैं तो अभी ग्वालन ऐसे देख रही है, बोला कन्हैया सो गया मैया, गोपनी ग्वालन अपना टोकरा उठा के जा रही है छाबड़े को। जमुना किनारे पहुंची तो टोकरा भारी लगा, नीचे उतारे देखा तो अंदर सोना चाहती हीरा मोती पड़ा है, अरे कन्हैया मेरे को छल दिया, फल के बदले में ये हीरा मोती दे दिया। अरे संसार का लोग होता तो बड़ा खुश हो जाता, भगवान संसारियों को ऐसे देते हैं। मैया ने सारा टोकरा जमुना में डाल दिया, बोला कन्हैया तेरे गोकुल की गलियों में मैं तो गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय, मैं तो ऐसे गाऊंगी। और इसके बाद बैलगाड़ियों के ऊपर चढ़ के सारे नौजवान आगे चले, बैलगाड़ियों के अंदर कृष्ण बलराम को रोहिणी और यशोदा ने उठाया, और अब छोड़ के गोकुल को जमुना पार करने से पहले अर्धचंद्र में खड़ा कर दिया, बैलगाड़ियों को रुक गए। अब कृष्ण बलराम पूछते हैं मैया ये पेड़ की दाढ़ी कहाँ से आ गई, वो पक्षी कौन सा है, मोर है वो कौन है, ढेल है वो उसकी पत्नी है, वो कौन है बैल है वो कौन है गाय उसकी पत्नी है, हाँ अच्छा मैया वो क्या है, हिरण है वो कौन है इसकी पत्नी, कन्हैया जोर जोर से रोने लगा। आप गाड़ियां बन खड़ी कर दी, अरे क्यों रो रहे हो, गोपियां खड़ी कन्हैया रो क्यों रहे, बोला मोर की पत्नी मोरनी, हिरण की पत्नी हिरणी, बैल की पत्नी गाय, मेरी पत्नी कहां। आप गोपियां हंसने लगी कि इसको क्या हो गया। वो जो बूढ़ी गोपी जो नंद उत्सव में आई थी मुंह में जो मक्खन गया था, उसके मन में आ रहा था ये यशोदा की गोद में बैठा है, मैं पता नहीं कितने दिन जीऊंगी, मेरी गोद में कन्हैया कब बैठेगा। तो कन्हैया ने कहा कि मेरी पत्नी कहाँ, तो गोपियाँ हंसते कह तुमको जिसको चाहिए उसकी गोद में बैठो, तेरी पत्नी है। कन्हैया घूमते घूमते उस बुढ़िया की गोद में बैठ गया। अब सब गोपियाँ कहती है कन्हैया तुमने इसमें क्या देखा कि इसको तुमने चुना, बोला न दांत इसके न दांत मेरे, हम दोनों बराबर। हरे कृष्णा। अब यहाँ से छत्तीगढ़ आए, जहाँ वृंदावन में हम जाते हैं अपने हरे कृष्णा मंदिर छत्तीगढ़ में आए, यहाँ छकड़ों को खड़ा कर दिया, और यहाँ कृष्ण 4 साल के हुए बछड़े चराने शुरू किया, वत्सासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, और उसके बाद अघासुर का वध कल करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।